ओ लो, तो कैसे हो दोस्तों? तो आज मुकाबले में स्वागत है आप सभी लोगों का। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ। लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर दो। तो आज मुकाबला फाइनल खेला जाएगा श्रीलंका और इंडिया वुमेन्स का, एशिया कप का दोस्तों। जो फाइनल मुकाबला दोस्तों आज खेला जाएगा, आज खेला जाने वाला है बांग्लादेश में। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मुकाबला देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनता है दोस्तों। एशिया कप वुमेन का जो एशिया कप मुकाबला है दोस्तों, वो आज खेला जा रहा है। और वहीं बात करेंगे दोस्तों, तो अभी आधे घंटे का समय जो है वो बाकी रह जाएगा, मुकाबला शुरू होने में आधे घंटे का अभी समय बाकी रह जाएगा। लगभग 38 मिनट का समय जो है वो बाकी रहने वाला है दोनों टीमों के पास अभी। तो तब तक बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो रहने वाली है, कप्तान के रूप में हरमनप्रीत कौर आपको नजर आ जाएंगी दोस्तों। कप्तान के रूप में आपको हरमनप्रीत कौर नजर आ जाएंगी, और एरस्मरती मंधाना आपको नजर आ जाएंगी यहाँ पर, और दीप्ति शर्मा, जी हाँ दोस्तों दीप्ति शर्मा आपको नजर आने वाली हैं। नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन पर यहाँ पर दीप्ति शर्मा नजर आएंगी। और ओपनिंग की बात करें दोस्तों, तो ओपनिंग में आने वाली हैं स्मृति मंधाना, और साथ में आने वाली हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ओपनिंग करने वाली हैं आज के इस मैच में दोस्तों। आज के इस मैच में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा जो है दोस्तों ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ जाएंगी। वहीं पर वन डाउन की बात करें तो यहाँ पर आ सकती हैं जैमी, जैमी आ सकती हैं बैटिंग के लिए वन डाउन पर। और नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 पर दोस्तों आने वाली हैं दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा आ जाएंगी नंबर 4 पर। और कप्तान हरमनप्रीत कौर यहाँ पर अपने आप को नंबर 5 की पोजीशन पर लाने वाले हैं दोस्तों। वहीं नंबर 6 की बात कर लेते हैं, तो 6 नंबर पर खेलने वाली हैं रीचा घोष, जो कि इंडिया की विकेट कीपर और बल्लेबाज रहने वाली हैं आज के इस मुकाबले में दोस्तों। और इसके बाद ऑलराउंडर की बात करते हैं, यहाँ पे स्नेहा राणा रहने वाली हैं ऑलराउंडर के रूप में, जो कि बल्लेबाजी भी कर सकती हैं और गेंदबाजी बड़ी ही कमाल की रहने वाली है उनकी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान लता, जी हाँ दोस्तों डेलेन हेमलता, यहाँ पर हेमलता आने वाली हैं दोस्तों। नंबर 8 की पोजीशन पर आपको हेमलता नजर आ जाएंगी। वहीं पर दोस्तों बात करें नंबर 9 की पोजीशन पर, यहाँ पर नंबर 9 की पोजीशन पर नजर आ जाएंगी मेनका सिंह, जो कि पिछले मैच में खेली नहीं थी। तो आज देखते हैं आज इनको मौका दिया जा सकता है क्या या फिर नहीं दिया जाएगा। रेणुका सिंह दोस्तों यहाँ पर इंडिया की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह यहाँ पर खेलने वाली है नंबर 9 की पोजीशन पर, और लगातार इंडिया के लिए विकेट चटकाती हुई लगातार आ रही हैं। पूजा बाष्टकर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पूजा बाष्टकर आपको नजर आ जाएंगी आज की प्लेइंग 11 में, और राजेश्वरी गायकवाड़ दोस्तों आपको नजर आने वाली हैं आज के इस मुकाबले में दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों स्पिनर गेंदबाज और यहाँ से नजर आने वाले हैं राधा यादव आपको नजर आ जाएंगी आज के इस मुकाबले में। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दो और गेंदबाज बचते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आज की इस टीम में मौका दिया नहीं जाएगा। तो आज के दिन की कुछ ये इंडिया की प्लेइंग 11 ये रही है दोस्तों। तो अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ से जो ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 रहेगी वो क्या रहने वाली है दोस्तों। आज के इस मुकाबले में श्रीलंका की प्लेइंग 11 जो है वो दोस्तों वो क्या रहने वाली है। आप लोग लगातार लाइक करते जाइए, जितने भी मित्र आ रहे हैं जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक वाले बटन को दबा दिए, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। कैप्टन की बात करेंगे तो यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू यहाँ पर कैप्टन के रूप में नजर आने वाली हैं, और हिमाशी हसीनी, हसीनी परेरा दोस्तों माफ़ कर दीजिए अगर नाम इनके सही से ना मैं पढ़ पाऊँ, तो बड़े ही अटपेटे नाम होते हैं श्रीलंकाई बल्लेबाजों के, जो मेंस हैं और वुमेन्स हैं, तो सभी के नाम जो है अटपेटे रहने वाले हैं।
हसनी यहाँ पे परेरा नजर आ जाएंगी। यहाँ पर ओपनिंग जो है ये दोनों कैप्टन और हसनी परेरा के रूप में होने वाली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हर्षिता माधवी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी दोस्तों वन डाउन की पोजीशन पर। और इसके बाद यहाँ पे लीलाशी देठ सिल्वा यहाँ पे नजर आने वाली हैं ऑलराउंडर के रूप में। और अनुष्का संजावानी यहाँ पर नजर आने वाली हैं दोस्तों विकेट के ऊपर और बल्लेबाजी के रूप में यहाँ पे नजर आने वाली हैं। खुशानी यहाँ पर दोस्तों नजर आएंगी नंबर 6 की पोजीशन पर। और यहाँ पर ओसाड़ी यहाँ पर नजर आएंगी दोस्तों नंबर 7 की पोजीशन पर। और मसाला सेहानी यहाँ पर नजर आएंगी दोस्तों मालसा सेहानी यहाँ पर नजर आने वाले हैं नंबर 8 की पोजीशन पर। और मडुस्की यहाँ पर नजर आने वाले हैं नंबर 9 की पोजीशन पर। और लगातार यहाँ पर गेंदबाजी के क्रम में आपको लगातार यहाँ पर श्रीलंकाई वुमेन का अच्छा प्रदर्शन जो है वो दोस्तों देखने को मिला है अभी तक एशिया कप में। दोस्तों लगातार अच्छा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है टीम श्रीलंका की ओर से। तो आप लोग लगातार जो है बने रहिए, कुछ ही मिनटों में मुकाबला जो है दोस्तों शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो जाएगा और हम आपको दिखाएंगे दोस्तों लाइव स्कोर, वो भी लाइव स्कोर आपके मोबाइल के ऊपर। बस YouTube चैनल को ओपन कर लीजिए और लगातार वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव स्कोर हर एक दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोर आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, तो बने रहिए। और वहीं दोस्तों आज के इस पिच रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो पिच रिपोर्ट में यहाँ पे निकल के आ रहा है जो ये ग्राउंड रहने वाला है एब्रेजन दोस्तों ग्राउंड रहने वाला है। मुकाबला दोस्तों जो है खेला जाएगा बांग्लादेश के साइलेंट स्टेडियम में दोस्तों खेला जाएगा यहाँ पर इंटरनेशनल जो स्टेडियम है। यहाँ पे मेंस का भी कई बार यहाँ पे मुकाबला खेला जा चुका है बांग्लादेश में। ये पूरी वुमेन की जो सीरीज श्रृंखला चल रही थी दोस्तों वो उसका आज फाइनल मुकाबला रहने वाला है।
श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है आज के इस मुकाबले में। टीम श्रीलंका ने दोस्तों जो है टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला भी कर लिया है दोस्तों, पहले जो है बैटिंग करने का निर्णय ले लिया है टीम ने। और बहुत जल्द आपको यहाँ पे श्रीलंका के बैट्समैन जो है दोस्तों वो नज़र आने वाले हैं आज के इस मुकाबले में। बहुत ही जल्द आपको श्रीलंका के बैट्समैन नज़र आने वाले हैं। ओपन टू द बैट फर्स्ट, यहाँ पर श्रीलंका ने टॉस जीत करके दोस्तों पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, पहले बैटिंग करने वाली है इस मुकाबले में श्रीलंका, आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएगी। तो जानेंगे दोस्तों दोनों ही टीम का टीम स्क्वाड क्या रहने वाला है आज के इस मुकाबले में। तो लगातार आप लोग दोस्तों सभी लोग लाइक कर दीजिए जिस भी मित्र ने लाइक नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि हम लेकर के आए हैं लाइव स्कोर आपके लिए। लाइव स्कोर दोस्तों लेकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया की तरफ से यहाँ पर शुरू हो चुका है दोस्तों मुकाबला, फील्डिंग लगाई जा चुकी है। बॉलिंग के लिए यहाँ पे आ जाएंगी दोस्तों पूनम, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को, माफ कीजिए, यहाँ पर दे दी गई है बॉलिंग जो है दोस्तों यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को दे दी गई है इस मुकाबले में। तो बहुत जल्द आपको दोस्तों ये मुकाबला जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आने वाला है, और शुरू होते ही आपको यहाँ पर दिखने वाला है दोस्तों द बिग शो मुकाबला दोस्तों जो है शुरू हो चला है, और बैट्समैन जो है दोस्तों वो आ चुके हैं क्रीज के ऊपर, जो है दोस्तों बैट्समैन आ चुके हैं। दीप्ति शर्मा के हाथ में यहाँ पर दोस्तों बॉल रहने वाली है, पहली बॉल यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने अपने हाथों में ले ली है। दीप्ति शर्मा के हाथों में दोस्तों जो है पहली बॉल वो चली जाएगी। तो आप लोग दोस्तों सभी मित्र एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइव स्कोर आपके सामने लेकर के हाजिर हो चुके हैं हम, लाइव स्कोर दोस्तों आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हो चुके हैं। तो आज के इस मुकाबले में अभी तक टॉस जीत करके यहाँ पे और पहली बॉल लेकर के बढ़ चुकी हैं आगे, पहली बॉल यहाँ पर लेकर के आगे बढ़ चुकी हैं दीप्ति शर्मा जो, जी हाँ दोस्तों दीप्ति शर्मा यहाँ पर पहली बॉल लेकर के आगे बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर श्रीलंका की कप्तान रहने वाली हैं सामने मौजूद, और यहाँ पर दूसरी बॉल पर सिंगल आ जाएगा, और श्रीलंका का यहाँ पर खाता दोस्तों जो है वो खुल चुका है। दूसरी बॉल पर एक सिंगल के चलते यहाँ पर खाता खुल चुका है, दूसरी बॉल पर यहाँ पर सिंगल आता हुआ, और इसी के साथ टीम श्रीलंकाई यहाँ पर पहले बैटिंग करने के लिए दोस्तों जो है इस मुकाबले में अभी तक आ चुके हैं श्रीलंका की टीम। यहाँ पर लगातार जारी रखेगी यहाँ पर बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज दीप्ति शर्मा, और यहाँ पर थर्ड अंपायर की ओर चले गए हैं दोस्तों रिव्यू यहाँ पर डिसीजन यहाँ पर आने की देरी रह जाएगी यहाँ पर। और अंपायर का फैसला नॉट आउट रहेगा, जी हाँ दोस्तों लगातार यहाँ पर अनुष्का संजवानी यहाँ पर स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगी दोस्तों,
अनुष्का संजवानी यहाँ पे लगातार जो है वो स्ट्राइक पे पहुँचने वाली हैं। तो आज के इस मुकाबले में लगातार दोस्तों रोमांचक नज़र आने वाला है, और आप सभी लोग दोस्तों लाइक ज़रूर से करते जाइए वीडियो को, और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आपके लिए लगातार लाइव स्कोर दोस्तों, लाइव स्कोर आपके लिए लेकर के आ चुके हैं जो इस मुकाबले का लाइव स्कोर है। चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, चौथी बॉल यहाँ पर लेकर के दोस्तों जो है तैयार रहने वाली हैं। सामने होंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज अनुष्का, और यहाँ पर बैक फुट पर धकेल दिया है गेंद बाउंड्री तक जाती हुई, मगर वहां पर हरमनप्रीत कौर नजर आ जाएंगी और उसको पकड़ करके थ्रो मार देंगी, विकेट कीपर के हाथों में थ्रो पहुंचेगा। लगातार चौथी बॉल पर यहाँ पर एक और सिंगल आता हुआ, इसी के साथ स्कोर बोर्ड में एक और रन दर्ज होकर के दो रन स्कोर हो चुका है, दो रन अभी तक स्कोर हो चुका है दोस्तों। टीम श्रीलंका का स्कोर दो रन हो चुका है दोस्तों, श्रीलंका का स्कोर दोस्तों बढ़ करके यहाँ पे दो रन पहुंच चुका है। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी दोस्तों, आखिरी बॉल जो है वो लेकर के तैयार रहने वाली हैं। और इसी के साथ एक ओवर का अभी तक खेल दोस्तों समाप्त हो चुका है, एक ओवर का खेल अभी तक दोस्तों जो है समाप्त हो चुका है। रेणुका सिंह ठाकुर यहां पर लेकर के आ जाएंगी अपना पहला ओवर, बाएं हाथ की तेज गेंदबाज यहां पर, दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर यहां पर लेकर के आएंगी। पहली बॉल यहाँ पर पैडों में मार दी है यहाँ पर कैप्टन, श्रीलंकाई कैप्टन के यहाँ पर पैड्स पर बॉल मारते हुए, और हल्की सी अपील वहाँ पे, लेकिन गेंद जो है लाइन को मिस करते हुए बाहर जा रही थी। और लगातार दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी,
दूसरे ओवर की आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहने वाली हैं यहाँ पे दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और सामने रहेंगी बाएं हाथ के बल्लेबाज चमारी जी। हाँ दोस्तों, रहने वाली हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज चमारी, क्रीज पर मौजूद रहेंगी लगातार यहाँ पर बाएं हाथ की बल्लेबाज टीम श्रीलंका की कैप्टन। और यहाँ पर खूबसूरत कवर ड्राइव, फील्डर के पास यहाँ पर कोई भी मौका नहीं गया कि उस बॉल को रोक सके और एक चार रन यहाँ पर बाउंड्री के रूप में आ जाएगा। बेहतरीन कवर ड्राइव लगा दिया है, खड़े खड़े यहाँ पे बैट का जो है मुंह खोल दिया और वहाँ पे फील्डर मौजूद, लेकिन वहाँ फील्डर के हाथ तक गेंद टच नहीं हो पाएगी और लगातार यहाँ पर विकेट जो है दोस्तों टीम इस श्रीलंका का स्कोर बढ़ करके 7 रन हो जाएगा दोस्तों। 7 रन यहाँ पर स्कोर होने वाला है लगातार बढ़ करके। अभी तक तीसरा ओवर चलता रहेगा, पावर प्ले दोस्तों अभी जारी रहेगा लगातार यहाँ पर, और तीसरा ओवर यहाँ पर लगातार फेंकने के लिए तैयार रहेंगी दीप्ति शर्मा को जी हाँ दोस्तों लाया जाएगा लगातार बॉलिंग के लिए, अटैकिंग बॉलिंग यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से अटैकिंग बॉलिंग जो है वो देखने को मिलेगी दोस्तों आज के इस मुकाबले में। अनुष्का यहाँ पे स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगी और यहाँ पर उठा करके दे मारा है, लेकिन गेंद सीधा सामने खड़े फील्डर के हाथों में पहुंचेगी और फील्डर उसको बॉल को थ्रो करेगा और इसी के चलते लगातार 7 रन 2 विकेट के बाद बना रहेगा। दीप्ति शर्मा लगातार अपनी दूसरी गेंद लेकर के तैयार रहने वाली हैं, जो कि अभी तक पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन ही खर्च किए हैं। दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज यहां पर और हल्की सी अपील की गई, लेकिन उसके चलते कोई भी अंपायर का निर्णय नहीं आएगा, अंपायर ने लगातार यहां पे नकार दिया है और रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे, टीम इंडिया के कप्तान रिव्यू के लिए नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर लगातार वेटिंग जो है दोस्तों वो जारी रहने वाली है। मुकाबले में दोस्तों जो है आज के इस मुकाबले में लगातार आपको बेहतरीन जो है प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। एशिया कप का दोस्तों ये आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, टीम इंडिया, जी हाँ दोस्तों टीम इंडिया और यहाँ पर श्रीलंका के बीच में आज का ये दोस्तों फाइनल मुकाबला जो कि खेला जा रहा है बांग्लादेश में। दीप्ति शर्मा अपनी लगातार चौथी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी, सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज श्रीलंकाई कप्तान। यहाँ पर बॉल को देख करके और यहाँ पर मिस फील्ड, यहाँ पर 1 विकेट, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर रन आउट के चलते यहाँ पर विकेट मिल जाएगी यहाँ पर श्रीलंकाई कैप्टन, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर चमारी अट्टा पट्टू यहाँ पर हाँ ना के चक्कर में यहाँ पे अपनी विकेट गंवा जाएगी बाएं हाथ की बल्लेबाज यहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग जो है वो देखने को मिली है, विकेट कीपर यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करेंगे इसकी के चलते दोस्तों यहाँ पर 1 विकेट दोस्तों इंडिया को मिल जाएगा श्रीलंका के कैप्टन के रूप में। दोस्तों यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ श्रीलंका 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे हो जाएगा। दीप्ति शर्मा दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज लगातार अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे अराउंड द विकेट और बहुत बढ़िया यहाँ पे थ्रो दिया गया फील्डर हरमनप्रीत कौर के द्वारा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, और विकेट कीपर ने भी कोई गलती नहीं की, जैसे ही बॉल आई और बस विकेटों को उखेड़ दिया और लगातार यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ नजर आया कैप्टन के रूप में बाएं हाथ की बल्लेबाज कैप्टन यहाँ पर आउट हुई 2 रन बना करके दोस्तों, माफ कीजिए 6 रन बना करके यहाँ पर आउट हो जाएंगी। और इसी के साथ दीप्ति शर्मा लगातार अपनी 5वीं बॉल लेकर के तैयार रहने वाली हैं, दीप्ति शर्मा लगातार अपनी 5वीं बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, सामने रहेंगी दाएं हाथ की दोस्तों नई बल्लेबाज, अभी तक 33 मैच खेल चुके हैं, 500 से अधिक रन इन्होंने बना दिए हैं दोस्तों, माधवी हर्षिता माधवी दोस्तों रहने वाली हैं
बाएं हाथ की बल्लेबाज श्रीलंकाई बैट्समैन, नाम तो इनका यहाँ पर इंडिया का लगता है मगर है श्रीलंका की। तो लगातार बॉलिंग जारी रखेंगी, पांचवें बॉल लेकर के तैयार रहेंगी और यहाँ पर काफ़ी टर्न देखने को मिला है दीप्ति शर्मा की बॉलिंग में, काफ़ी ज़्यादा टर्न देखने को मिला है। पांचवीं बॉल पर यहाँ पर कोई भी रन नहीं आएगा, आखिरी गेंद लेकर के तैयार रह जाएंगी यहाँ पर डायरेक्ट। और माधवी यहाँ पर श्रीलंकाई बैट्समैन बाएं हाथ की बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक पे बनी रहने वाली हैं इस मुकाबले में और यहाँ पर पहले से ही तैयार थी, बैकफुट पर जाकर बॉल को धकेल दिया है, गेंद फील्डर तक पहुंची तब तक दोनों बल्लेबाज एक रन अपना पूरा कर चुके थे। इसी के साथ 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां पर हो जाएगा टीम इंडिया का स्कोर, माफ कीजिए टीम श्रीलंका का स्कोर। लगातार यहां पर दूसरी छोर से रेणुका सिंह को बॉल थमा दी जाएगी और चौथा ओवर लेकर के आ जाएंगे। अभी तक पावर प्ले में 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 1 विकेट 9 रन पर आ चुका है दोस्तों, 9 रन ही बना पाई है, 3 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। अगर इस मुकाबले में श्रीलंका को जीतना है तो कम से कम दोस्तों 100 का आंकड़ा पार करना होगा दोस्तों, 100 और 130 रन के करीब में जो है वो बोर्ड पर दर्ज किए होने चाहिए श्रीलंकाई बैट्समैन के द्वारा। अगर इस मुकाबले में कोई टोटल देना है, फाइटिंग टोटल जो वो रहने वाला है दोस्तों, और 130 रन तक यहां पर अगर बना लेती है तो यहां पर जो है 50-50 चांसेस हो जाएंगे दोनों टीमों के मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों। यहाँ पर दोनों टीमों के मुकाबला जीतने का 50-50 चांसेस हो जाएगा, 130 से कम रह जाते हैं तो फिर यहाँ पर टीम इंडिया को चेज करने में आसानी होगी। और लगातार यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर की पहली ही बॉल पर बेहतरीन कवर ड्राइव मार दिया है, लेकिन लगातार यहाँ पर बॉल पहुँचेगी स्मृति मंधाना के हाथों में और कोई भी रन नहीं आएगा पहली बॉल पर। दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहने वाली हैं यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर, दाएं हाथ की तेज गेंदबाज इंडिया की और विकेट टेकर दोस्तों गेंदबाज यहां पर रहने वाली हैं। दूसरी बॉल पर यहां पर फिर से बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया है, हालांकि वहां पर हरमनप्रीत कौर नजर आ जाएंगी और डायरेक्ट विकेट कीपर के हाथों में बॉल पहुंच जाएगी। लगातार दूसरी गेंद पर कोई भी यहां पर रन नहीं आएगा और स्कोर लगातार 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना रहने वाला है। तीसरी गेंद लेकर के तैयार रहेंगे राउंड द विकेट रेणुका सिंह ठाकुर, बाएं हाथ की तेज गेंदबाज यहां पर रहने वाली हैं और अगली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज। और यहां पर अपील दोस्तों, अपील की गई है और यहां पर विकेट कीपर की बहुत उत्साहित भरी अपील और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है, अंपायर ने दोस्तों यहां पर उंगली खड़ी कर दी है और ये आउट, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है और आउट का फैसला कर दिया गया है दोस्तों। जो अंपायर हैं वो शिवानी मिश्रा हैं और यहाँ पर सलीमा इम्तियाज यहाँ पर, और जो शिवानी मिश्रा हैं सामने फ्रंट पर खड़ी हैं मेन अंपायर के रूप में। थर्ड अंपायर रहेंगी यहाँ पे हेमांगी एयर जेल, यहाँ पर जो थर्ड अंपायर के पास भी जाने का मौका नहीं दिया है, डायरेक्ट आउट कर दिया गया है दोस्तों, वहाँ पर आउट करार दे दिया गया है माधवी को। और बाहर जाती हुई माधवी, आने वाले न्यू बैट्समैन आ जाएंगे श्रीलंकाई बैट्समैन। लगातार यहां पर 2 विकेट गिर चुके हैं 9 रन के स्कोर के ऊपर ही, लगातार दोस्तों यहां पे चौथे ओवर में ही गिर चुके हैं यहां पर 2 विकेट। विकेट कीपर ने वहां पे कोई भी गलती नहीं की, हल्का सा एज लेकर के बॉल सीधा पहुँच गई विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट कीपर ने वहां पर सुन लिया था, डायरेक्ट अपील कर दी है कि हाँ भैया ये आप आउट है और हमें आउट मिलना चाहिए और डायरेक्ट वहां पर आउट के कैच आउट के रूप में 1 विकेट दोस्तों गिर चुका है अभी तक का। और लगातार आप लोग लाइक करते जाइए, विच और ग्रेट इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम विच दिस एशिया कप फाइनल दोस्तों, यहां पर शेफाली वर्मा रहने वाली हैं आज के इस मुकाबले में। शेफाली वर्मा दोस्तों अभी तक मोस्ट रन यहाँ पर बनाए हैं इस एशिया कप में, अभी तक सबसे ज्यादा जिसने रन बनाए हैं तो वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आती हैं शेफाली वर्मा इस एशिया कप में टोटल यहाँ पर। और विकेट की बात करेंगे दोस्तों तो विकेट अभी तक हाईएस्ट दीप्ति शर्मा के नाम रहे हैं, 13 विकेट अभी तक ले चुके हैं और ये दोस्तों आज एक और विकेट उनको मिल चुका है तो 14 विकेट अभी तक एशिया कप में। और बेस्ट ऑलराउंडर दोस्तों जो साबित रहने वाली हैं वुमेन एशिया कप का ये जो फाइनल मुकाबला है तो दीप्ति शर्मा का यहाँ पर मेन रोल रहने वाला है। दीप्ति शर्मा हालांकि अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में भी रही थी, उन्होंने वहाँ पर
जो है मैन गेट कर दिया था रन आउट, जिसको अब नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक और विकेट दोस्तों रन आउट के रूप में आ जाएगा तीसरी बॉल पर। यहाँ पर एक और विकेट दोस्तों है जो चौथी बॉल पर, यहाँ पर एक विकेट और आ जाएगा। डिसीजन यहाँ पर अभी थर्ड अंपायर का रह जाएगा। और बहुत बेहतरीन यहाँ पर थ्रो दिया है और विकेट कीपर लगातार यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर थ्रो करती हैं और डायरेक्ट विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल पहुंचती है और लगातार यहाँ पर तीसरा विकेट गिरता हुआ 9 रन के स्क्वायर पर तीसरा विकेट जो है दोस्तों वो गिर जाएगा। श्रीलंकाई यहाँ पर टीम जो है वो काफ़ी मुश्किल में नजर आ रही है। लगातार अभी तक 3 विकेट गिर चुके हैं, वहाँ पर रन नहीं था, हाना के चक्कर में लगातार दूसरा रन आउट इस मुकाबले का आज का देखने को मिला है दोस्तों। अनुष्का यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज जाती हुई बाहर और यहाँ पर नई बल्लेबाज आ जाएंगी हासिनी परेरा यहाँ पर बल्लेबाजी के रूप में नजर आ जाएंगी, जो कि एक ऑलराउंडर बैट्समैन है। गेंदबाजी के साथ आपको बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकती हैं। अभी तक 50 से अधिक मुकाबलों का अनुभव उनके पास रहेगा। लगातार गेंदबाजी के लिए यहाँ पे जारी रखी जाएगी, लगातार यहाँ पर गेंदबाजी जारी रखी जाएगी। 5वीं बॉल लेकर के तैयार रहेंगे, स्ट्राइक पे रहेंगी यहाँ पे हसनी परेरा स्ट्राइक पे रहने वाली हैं दोस्तों। बाएं हाथ की बल्लेबाज हसनी परेरा के लिए चलेंगी, दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर लेकर के चलेंगी अगली बॉल दोस्तों। बाएं हाथ की बल्लेबाज और यहाँ पर एक और विकेट, जी हाँ दोस्तों, उछाल भरी गेंद और बल्लेबाज वहां पर एक ही प्रकार से कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे और लगातार यहां पर हैट्रिक हो चुकी है टीम इंडिया के लिए दोस्तों, जो है हैट्रिक हो चुकी है इस मुकाबले में दोस्तों। अब बात करी जाए यहां से तो ये मुकाबला पूरी तरह से दोस्तों टीम इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है वो जीतने वाली है इस एशिया कप फाइनल के दोस्तों। अभी से आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं कि जीतने वाली हैं यहाँ पर टीम इंडिया की महिला टीम दोस्तों। भारत की जीत पक्की है, यस हाँ भाई सही बोल रहे हो आप, भारत की जीत पक्की है। इसी बात पे सभी मित्र एक बार लाइक जरूर से कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर नीलाक्षी आ जाएंगे दोस्तों, माफ कीजिए अगर नाम इनके मैं सही से ना पढ़ पाऊँ तो यहाँ पे माफ कर देना, क्योंकि नाम बड़े ही अटपेटे नजर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कबीसा दिलारी आ जाएंगी बैटिंग के लिए दोस्तों, राइट हैंड बल्लेबाज जो कि एक गेंदबाजी के रूप में भी जानी जाती हैं। काबासी दिलारी यहाँ पर बैटिंग के लिए आने वाली हैं और लगातार आखिरी बॉल का सामना करेंगी रेणुका सिंह ठाकुर। यहाँ पर एक बॉल वाइड के रूप में एक और रन दे दिया जाएगा श्रीलंका टीम को और इसी के साथ स्कोर बढ़ करके 10 रन हो जाएगा श्रीलंका टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल अभी भी रह जाएगी बाकी, रेणुका सिंह ठाकुर लेकर के चलेंगी अपने दूसरे ओवर की लास्ट बॉल दोस्तों। और इस ओवर में कुल मिलाकर के दोस्तों 3 विकेट आ चुके हैं अभी तक, 3 विकेट इस ओवर में आ चुके हैं, चौथा ही ओवर चल रहा है। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी और यहाँ से फाइटिंग टोटल अगर यहाँ से 100 रन तक बना जाती है टीम श्रीलंका तो यहाँ से कुछ फाइटिंग मुकाबला वो है जो देखने को मिलेगा, नहीं तो आप यूँ कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जाइए और कुछ ही रनों का जो टारगेट है उसको चेज करके आप इस फाइनल मुकाबले में आसानी से जीत बना लीजिएगा। लेकिन उतना भी आसान नहीं होगा, बॉलिंग आपको नजर आएगी श्रीलंकाई बॉलरों के द्वारा भी आपको बेहतरीन बॉलिंग जो है वो नजर आने वाली है। श्रीलंकाई बॉलरों के द्वारा भी आपको लगातार बेहतरीन बॉलिंग नजर आने वाली है दोस्तों। अभी तक बात करें तो 2 विकेट यहां पर रेणुका को मिल चुके हैं, रेणुका सिंह ठाकुर को, और 1 विकेट दोस्तों यहां पर जो है मिल चुका है दीप्ति शर्मा को, और 2 विकेट दोस्तों यहां पर रन आउट के चलते मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर 2 विकेट रनआउट के चलते और 2 विकेट रेणुका सिंह ठाकुर को मिल चुके हैं अभी तक इस मुकाबले में। भारत की जीत पक्की, जी हाँ
तो आज के इस मुकाबले में आप भारत की जीत पक्की ही मान के चलिए। जिस तरीके से अभी तक उन्होंने प्रदर्शन किया है बढ़िया सा, तो वहाँ पर इस मुकाबले में भी जीतना जो है वो लाजमी तौर पे जाहिर हो जाता है कि हाँ भाई आप इस मुकाबले में ज़रूर से जीतेंगी। अभी तक आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लगातार 5वां ओवर लेकर के आ जाएंगे यहाँ पर राजश्री गायकवाड़, जो कि इंडिया की एक बेहतरीन स्पिन बॉलरों में से एक मेन गेंदबाज यहाँ पर कह सकते हैं आप राजश्री गायकवाड़ को लाया जाएगा। यहाँ पर दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज रहने वाली हैं राजश्री गायकवाड़, और यहाँ पर बॉल को धकेल दिया है पीछे की ओर, और यहाँ पर एक 4 रन दोस्तों है जो मिल जाएगा। पहली बॉल पर यहाँ पर श्रीलंकाई टीम को चौका आता हुआ नजर आ गया है, और अभी तक इस इनिंग का दोस्तों जो है पहला 4 रन आया हुआ है श्रीलंकाई बैट्समैनों के द्वारा से। अभी तक यहां पर पहला 4 रन आता हुआ, इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ करके 14 रन हो जाएगा 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर लगातार चल रहा है। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़ दोस्तों लेकर के चलेंगी अपनी दूसरी बॉल। दूसरी बॉल पर यहाँ पर कोई भी रन नहीं आने वाला दोस्तों। बल्लेबाज आगे बढ़ करके कदमों का इस्तेमाल कर करके सामने स्क्रीन के ऊपर शॉट मारना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। डायरेक्ट फील्डर को ढूंढेंगे और फील्डर उस गेंद को डायरेक्ट विकेट कीपर के पास थ्रो मार देगा। लगातार तीसरी बॉल लेकर के तैयार रहने वाली हैं बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज लगातार यहां पर तीसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। बल्लेबाज ने बैक फुट पर जाकर के बॉल को धकेल दिया है, इसी के साथ 1 रन का और इजाफा होता हुआ श्रीलंकाई टीम को, और स्कोर लगातार बढ़कर के 15 रन हो जाएगा 4 विकेट के नुकसान पे। लगातार टीम श्रीलंका का स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। 5वीं बॉल लेकर के तैयार हो जाएंगी राजेश्वरी गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, मेन गेंदबाज टीम इंडिया की स्पिनरों में से एक मेन गेंदबाज यहाँ पर मेन नजर आ जाएंगी आपको। अभी तक इस ओवर में दोस्तों टोटल 5 रन आ चुके हैं, और अब आखिरी बॉल लेकर के तैयार हो जाएंगी। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहने वाली हैं। लगातार आप लोग लाइक करते जाइए, जिस भी मित्र ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पर लाल एक बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। श्रीलंका की ओर से यहाँ पर जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनकी ओर से समझाया जा रहा है कि आप जाइए वहां पर थोड़ा सा टाइम बिटीट कीजिए, अपना जो विकेट है उसको आसानी से मत खोइए, क्योंकि अभी रह जाएंगे इसके बाद 15 ओवरों का खेल बाकी रह जाएगा, और लगातार विकेट गिरेंगे तो यहां पर जो 100 रन का स्कोर है वो भी नहीं छू पाएगी टीम श्रीलंका। तो श्रीलंकाई यहाँ पर कोच जो है वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, आप जाइए और बेशक डॉट बॉल खेलिए लेकिन क्रीज पर बने रहिएगा, कम से कम यहाँ पर चांस दीजिए अपना विकेट गंवाने के लिए। तो लास्ट ओवर में दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे 6 रन, और 6 रन के चलते यहाँ पे 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे लगातार स्कोर बना रहेगा। रेणुका सिंह ठाकुर यहाँ पर दाएं हाथ की तेज गेंदबाज आ जाएंगी बॉलिंग पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। आखिरी ओवर में दोस्तों लगातार यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगी आपको। पहली बॉल लेकर के तैयार सामने रहने वाली हैं दोस्तों दुलारी दिलारी, दोस्तों माफ कीजिए नाम बड़े ही अटपटे हैं। दाएं हाथ की बल्लेबाज कबीसा कबीसा दिलहारी दोस्तों, कबीसा दिलहारी यहां पर रहने वाली हैं। दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी दाएं हाथ की तेज गेंदबाज यहां पर दूसरी बॉल लेकर के लगातार तैयार रहने वाली हैं, और सामने रहेंगी दोस्तों। अभी तक 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो चुका है, 16 रन माफ कीजिए 16 रन यहां पर 4 विकेट के नुकसान पर हो चुका है, और यहां पर बोल्ड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन यॉर्कर बोल्ड डाल दी गई है रेणुका सिंह ठाकुर के द्वारा, यहां पर बेहतरीन यॉर्कर बॉल डाल दी गई है, और यहाँ पर वोल्ड क्लीन वोल्ड कर दिया है यहाँ पे रेणुका सिंह ठाकुर ने, कबीसा दिलारी को क्लीन वोल्ड मार दिया है। 6 गेंदों में 1 रन बना करके डायरेक्ट वोल्ड हो जाएंगे, और इसी के साथ लगातार यहाँ पर 5 विकेट आधी श्रीलंकाई टीम यहाँ पर वापस पवेलियन की ओर लौट चुकी है।
अब आने वाले बल्लेबाज दोस्तों जो हैं प्रॉपर बल्लेबाज नहीं नजर आएंगे आपको, इसमें से एक दो ऑलराउंडर और फिर मेन गेंदबाज आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। आगे जो दोस्तों फैंस हैं वो काफी हद तक वहां पर काफी भीड़ पहुंची हुई नजर आ रही है। अभी तक देखा गया है पिछले मुकाबलों में दोस्तों जो है फैंस नहीं नजर आए हैं स्टेडियम में, लेकिन इस मुकाबले में दोस्तों फैंस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ज्यादातर यहां पर टीम इंडिया के फैंस नजर आ रहे हैं। यहां पर ओसाड़ी राणा सिंह दोस्तों नजर आ चुकी हैं बैटिंग के लिए। दोस्तों ओसाड़ी राणा सिंह बल्लेबाजी के लिए आ जाएंगी, अगली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी रेणुका सिंह ठाकुर। और यहां पर एक और बॉल और बेहतरीन बॉल, कोई भी रन नहीं आएगा अभी तक, मिड एंड ओवर यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है ये। और एक विकेट दोस्तों वो इस ओवर में आ चुकी है, 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर लगातार स्कोर बना रहने वाला है टीम श्रीलंका का। श्रीलंका टीम यहाँ से विकेट को बचाने में अभी फोकस करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाए, वो विकेट ना दें, रन जो स्कोर है उसको बेशक यहाँ पर ना बढ़ाया जाए लेकिन जो विकेट है उसको बचाने की कोशिश करी जाए। और यहाँ पर बेहतरीन बॉल इस ओवर में, अभी तक कोई भी रन नहीं आया है। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर दोस्तों। यहाँ पर अगली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी और इस ओवर में दोस्तों अभी तक कोई भी रन नहीं आएगा, मिड ओवर निकल के आ जाएगा दोस्तों। अभी तक दोस्तों ये मिडन ओवर निकल के आया है और एक विकेट भी आ चुकी है इस ओवर में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस ओवर में एक विकेट और कोई भी रन नहीं आया है। पावर प्ले का खेल समाप्त हो जाएगा, 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे लगातार जो स्कोर है वो बना रहने वाला है श्रीलंकाई टीम का। 14 ओवरों का खेल अभी भी बाकी रह जाएगा, तो आपको दोस्तों बताते चलें पहले यहाँ पर श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। यहाँ पर पहले बैटिंग करने का फैसला यहाँ पर बिल्कुल से गलत साबित होता हुआ नजर आया टीम श्रीलंका के कैप्टन के द्वारा। यहाँ पर लगातार 5 विकेटों का अभी तक गिरने का सिलसिला जारी रहा है और 5 विकेट बाकी रह जाएंगे यहाँ से। अगर इस मुकाबले में दोस्तों कुछ फाइटिंग टोटल अगर श्रीलंकाई टीम देना चाहेगी, 100 रन तक अगर पहुँच जाए यहाँ से, तो एक वो फाइटिंग टोटल जो है वो रहने वाला है इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए। फाइटिंग टोटल 100 रन का जरूर से रखना चाहेंगे। इंडिया विन 10 रन, अरे भैया 10 रन पे जीत सकती है क्या आप? भारत जीतेगा आज, जी हाँ भारत ही जीतने वाला है आज के इस मुकाबले में दोस्तों। तो इसी बात पे सभी मित्र एक बार लाइक जरूर से करते जाइए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाएंगे सभी मित्र एक बार लगातार। अंपायर का इशारा रहेगा, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। राजेश्वरी गायकवाड़ को यहाँ पर बॉल दे दी जाएगी हरमनप्रीत कौर के द्वारा। गेंदबाजी के लिए यहाँ पर दीप्ति शर्मा के भी अभी दोस्तों बाकी रह जाएंगे दो ओवर अभी तक उन्होंने डाले हैं और 2 ओवर बाकी रह जाएंगे। जो उनके प्रमुख गेंदबाज हैं राजेश्वरी गायकवाड़, टीम इंडिया के जो महिला क्रिकेटर में प्रमुख गेंदबाजों में से एक, दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़ अभी तक बहुत विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। T20 कैरियर हो चाहे वो वनडे कैरियर हो, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। सामने रहने वाली हैं दाएं हाथ की बल्लेबाज और लगातार यहाँ पर पहली बॉल लेकर के चलेंगी, सिंगल भाग जाएंगे दोनों बल्लेबाज, पहली बॉल पे सिंगल आ जाएगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ करके 17 रन 5 विकेट के नुकसान पे लगातार बना रहने वाला। 7वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले समाप्त हुआ दोस्तों और 7वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन आ चुका है। दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़ और सामने रहने वाली हैं बल्लेबाजी के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ओसाड़ी, जी हाँ दोस्तों ओसाड़ी। और यहाँ पर गेंद का कुछ अता पता नहीं था कहाँ पर गई है, पैड्स पर लगी गेंद लेकिन काफ़ी ज़्यादा आउट लाइन की ओर जा रही थी, इसीलिए कोई भी
फैसला नहीं लिया जाएगा टीम इंडिया की ओर से। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर जरूर से पूछती हुई नजर आ रही है, क्या गेंद लाइन पर थी और LBW का जो चांस है वो यहाँ पर बन सकता है रिव्यू लिया जाए, लेकिन यहाँ पर रिव्यू नहीं लेंगी। अगली बॉल के लिए तैयार हो जाएंगी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड। बल्लेबाज ने बैक फुट पर जाकर के यहाँ पर हल्का सा स्वीप मार दिया है और एक रन भाग जाएंगे दोनों बल्लेबाज, जब तक कि फील्डर बॉल को थ्रो कर पाते दोनों बल्लेबाज यहाँ पर एक रन पूरा कर लेंगे। इसी के साथ 18 रन स्कोर हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर दोस्तों, 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 18 रन स्कोर हो चुका है। पहला विकेट रनआउट के चलता गया और दूसरा विकेट दोस्तों जो है वो कैच आउट के रूप में गया, विकेट कीपर के दस्तानों में गई बॉल, और तीसरा विकेट दोस्तों यहाँ पर रन आउट के चलते गया है, और चौथा विकेट दोस्तों रन आउट के चलते गया है, पांचवा विकेट दोस्तों यहाँ पर क्लीन होल्ड के चलते गया है। तो लगातार ऐसे 5 विकेट जो हैं गिर चुके हैं श्रीलंकाई टीम के। 7वां ओवर ये चलता हुआ नजर आ रहा है आपको और लगातार 5वीं बॉल पर कोई भी रन नहीं आएगा, अभी तक टोटल 2 रन ही आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस ओवर में, कुल 2 रन ही दे पाई है, 58 रन टोटल। प्रेडिक्शन आपका देखते हैं कैसा रहेगा मेरे मित्र, अगर आपका प्रेडिक्शन 58 रन ही टोटल होता है तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया आज के इस मुकाबले में जीतने वाली है। साड़ी के आगे नाम क्या है, श्रीलंकाई टीम के यहाँ पे नाम बड़े ही अटपटे नजर आ रहे हैं, मैं आपको बता तो दूंगा, वो साड़ी यहाँ पे राणा सिंघे नजर आने वाला है आपको, नाम मैं आपको पढ़ के दोस्तों बताने वाला हूँ, जो इंग्लिश के नाम है वो पढ़ सकते हैं लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है श्रीलंकाई टीम की वो कुछ और ही रहने वाली है। और यहाँ पर एक विकेट और आ जाएगा दोस्तों, आखिरी बॉल पर यहाँ पर बल्लेबाज गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन कट लग करके बल्ले का एज लेकर के विकेटों में यहाँ पर जा लगी गेंद, और इसी के चलते 6वां विकेट गिर जाएगा 18 रन पर ही। राजेश्वरी गायकवाड़ को आज के इस दिन की उनकी पहली विकेट मिल जाएगी दोस्तों, 2 ओवर का अभी तक खेल डाला है राजेश्वरी ने, और दूसरे ओवर में ही आखिरी बॉल पर अपना एक विकेट अपने नाम कर लेंगी। लगातार यहाँ पर विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक ओवर में अभी तक आप कह सकते हैं कि एक एक विकेट गिर चुका है श्रीलंकाई टीम का, 18 रन ही स्कोर हुआ है। प्रेडिक्शन आप लोगों की सही जा रही है, 50 रन पर ऑल आउट होती हुई नजर आ रही है, 6 विकेट हो गए हैं भैया, यस लगातार यहां पर विकेट जो है गिरते जा रहे हैं दोस्तों। 3 मित्र और लाइक कर देंगे अगर इस वीडियो को, तो हमारे दोस्तों 50 लाइक्स कंप्लीट होने वाले हैं, 50 लाइक्स कंप्लीट होने वाले हैं अगर 3 मित्र और कोई लाइक कर देते हैं, 50 और 60 रन का स्कोर मुश्किल से यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि जो आने वाले बल्लेबाज रहेंगे प्रॉपर दोस्तों यहां पर बल्लेबाज नहीं, यहां पर गेंदबाज ही नजर आएगी, गेंदबाज बल्लेबाज के रूप में नजर आ जाएंगे, तो यहां पर एक औपचारिकता बचती है उन बल्लेबाजों से, बल्ले से रन निकले ये उम्मीद सिर्फ एक रह जाती है कि बल्ला घुमाए लें, तो घुमा के अगर रन आ जाए फिर तो सही है, नहीं तो फिर वो सीधा आउट, कैच आउट या बोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर बैट्समैन है वो वापस लौट चुके हैं। दीप्ति शर्मा लगातार अपना 3रा ओवर लेकर के यहाँ पे आ जाएंगी, अभी तक 6 ही रन दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 रन ही दिए हैं, दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी यहाँ पे, लगातार एक सिंगल दौर आ जाएगा, इसी सिंगल के साथ 19 रन स्कोर पहुंच जाएगा श्रीलंकाई टीम का। तो आप कह सकते हैं फाइनल का मुकाबला यहां पर टीम इंडिया के बैट्समैन आसानी से चेज करने वाले हैं। नाइस कमेंट्री, थैंक यू विजय भाटी भाई, धन्यवाद मेरे भाई, और लगातार आप लोग यहां पर 2000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करवा दीजिए बहुत जल्द, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन एक मिलता है दोस्तों। और आज दोस्तों हमारी जो लाइव वाचिंग हिट करी है वो 1000 करी है, अभी तक यहाँ पर 1000 व्यूवर लगातार हमारे चैनल पर नहीं आए थे, तो सभी लोगों का आज बहुत बहुत धन्यवाद है, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि 1000 मित्र आज लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई भी दिन नहीं आया है जबकि हमारे चैनल पर लगातार 1000 मित्र जो हैं वो देखने आए हों, और आज पहला दिन है तो ऐसा देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है लगातार, और एक मनोबल बढ़ रहा है। कौन जीतेगा आज का मैच, जी हाँ तो आपने सही पूछा कौन जीतेगा, तो आप यहाँ पर
100% जो है वो लगा सकते हैं टीम इंडिया के ऊपर। टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतने वाली है क्योंकि 6 विकेट गिर चुके हैं अभी तक श्रीलंका टीम का, और रन हुआ है दोस्तों 19 रन। स्कोर यहां पर बहुत कम रह जाएगा लगातार। यहां पर तीसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, तीसरी बॉल पर कोई भी रन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक रन आया है इस ओवर में। दीप्ति शर्मा लगातार अपनी चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, तीसरे ओवर की लगातार चौथी बॉल लेकर के तैयार रहने वाली। सामने रहेंगी दाएं हाथ की बल्लेबाज मासला दोस्तों, मालसा सिहानी। यहाँ पर नाम इनके काफ़ी अटपेटे नज़र आते हैं, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों। 50-60 का भी आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस गति से अगर विकेट गिरते हैं तो आप यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि 40 रन और 50 रन मुश्किल पड़ जाएंगे टीम श्रीलंका के बैट्समैन को बनाने के लिए। लगातार अगली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। इस ओवर में अभी तक कुल सिर्फ और सिर्फ रन आए हैं दोस्तों, 1 रन, और ओवर की आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहने वाली हैं दीप्ति शर्मा, दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, और बल्लेबाजी में आपको बेहतरीन प्रदर्शन लगातार यहां पे करती हुई नजर आई हैं। आज के इस मुकाबले में अभी तक 3 ओवरों का खेल डाल दिया है, यहां पर 3 ओवर डाल दिए हैं दीप्ति शर्मा ने और कोई भी विकेट नहीं मिला है। हाईएस्ट विकेट टेकर दोस्तों वुमेन एशिया कप में रहने वाली दीप्ति शर्मा अभी तक 12 विकेट ले चुकी हैं इस टूर्नामेंट में दोस्तों, अभी तक 12 विकेट ले चुकी हैं दीप्ति शर्मा, हाईएस्ट विकेट टेकर रहने वाली। लगातार 8 ओवरों का खेल हो जाएगा और स्कोर यहां पर 19 रन 6 विकेट के नुकसान पे श्रीलंकाई टीम का रहने वाला है। तो आपको बताते चले दोस्तों, यहां पर श्रीलंका टीम ने पहले टॉस जीत करके बैटिंग करने का निर्णय लिया है। तो यहां पर ये बैटिंग करने का निर्णय उनका बिल्कुल डिफिकल्ट साबित होता हुआ नजर आया है। लव यू इंडिया टीम्स, यस यस। तो लगातार आप लोग सभी मित्र एक बार लाइक के बटन को दबाते जाएंगे, और यहां पर पहली बॉल लेकर के तैयार रहेंगे दोस्तों स्नेहा राणा, दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज स्नेहा राणा को बॉल दी जाएगी हरमनप्रीत कौर के द्वारा। स्नेहा राणा अपनी पहली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। सामने रहेंगी दोस्तों ओसाड़ी रहने वाली हैं बल्लेबाजी के लिए, और लगातार वाइड बॉल आती हुई यहां पे काफी बाहर की ओर डाल दी है, अंपायर का इशारा रहेगा वाइड बॉल है। लगातार दूसरी बॉल यहां पर डालने के लिए तैयार रहेंगी, और सामने दोस्तों बाएं हाथ की बल्लेबाज ओसाड़ी नजर आने वाली हैं। बैक फुट पर जाकर यहां पर धकेल दिया है बॉल को, 4 रन आ जाएंगे दोस्तों पहली ही बॉल पर 4 रन, यहां पर एक वाइड और चौके के चलते 5 रन अभी तक एक बॉल में आ चुके हैं। श्रीलंका का स्कोर लगातार बढ़ करके दोस्तों 24 रन हो जाएगा, 24 रन पर 6 विकेट यहां पर अभी तक नजर आते हुए आपको दिख जाएंगे दोस्तों। 30 रन पर तो आपको यहां पर ऑल आउट होती हुई नहीं नजर आने वाली है। ऑल द बेस्ट ब्रदर, थैंक यू विजय उपाध्याय, थैंक यू सो मच ब्रदर। कोई 4 मित्र और लाइक कर देंगे, 150 लाइक के करीब हैं हम, तो कोई 4 मित्र और जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते जाइए। लगातार हम आपको लाइव स्कोर दिखाने वाले हैं हर एक इंटरनेशनल मैच का दोस्तों, हर एक इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोर जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं इस चैनल पे। तो लगातार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। स्नेहा राणा अपनी दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, और यहाँ पर फील्डर और बैट्समैन दोनों ही टकरा गए हैं, और काफ़ी अंपायर पहुँचेंगे वहाँ पर कि भैया हट जाइए, यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर सभी भागेंगे और टकरार जो है वो हो सकती है। दूसरी बॉल पर यहाँ पर थोड़ी सी टकरार नज़र आई है बल्लेबाज श्रीलंका के और फील्डर यहाँ पर नज़र आई थी, यहाँ पर कौन है, दीप्ति शर्मा नज़र आई हैं, थोड़ी सी टकरार नज़र आई है और बल्लेबाजी के लिए लगातार पहुंच जाएंगी श्रीलंकाई बैट्समैन। तीसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी स्नेहा राणा।
दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज स्नेहा राणा तैयार रहने वाली, सामने रहेंगी। दाएं हाथ की बल्लेबाज मालसा, दोस्तों मालसा रहेंगी बैटिंग के लिए। लगातार अभी तक 5 बॉलें खेली हैं और कोई भी विकेट नहीं बनाया है, माफ कीजिए कोई भी रन नहीं यहाँ पर बनाया है मालसा ने। अगली बॉल लेकर के तैयार और उठा करके कदमों का इस्तेमाल उठा करके मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कॉटन बोल्ड के चलते यहाँ पर 7वां विकेट गिरता हुआ नजर आ गया है दोस्तों आपको। यहाँ पर श्रीलंका टीम का 25 के स्कोर पर ही 7वां विकेट गिर चुका है। आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही नजर आती हुई, 40 और 50 रन जो है वो आज के इस दिन मुश्किल पड़ने वाले हैं श्रीलंका टीम को। 25 रन पर ही 7वां विकेट गिर चुका है, अभी तक 9वां ओवर चलता हुआ नजर आ रहा है आपको। बल्लेबाजी के लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगी सुगंधिका कुमारी, दोस्तों नाम इंडिया का है बट यहाँ पर आपको श्रीलंकाई बैट्समैन है, नाम इंडिया का आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर स्नेहा राणा लगातार अपनी 4थी बॉल लेकर के तैयार रहेंगे। सुगंधिका कुमारी यहाँ पर आ जाएंगी बैटिंग के लिए, 7 विकेट अभी तक हो चुके हैं। भाई ये बताओ वो कितने वो जीतेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर टीम इंडिया की ओर से बैटिंग के लिए यहाँ पर शेफाली वर्मा और यहाँ पर बैटिंग के लिए दोस्तों आती हैं स्मृति मंदाना, तो यहाँ पर ये स्कोर जो है 5 ओवर तक चलना मुश्किल है, 5 ओवर से पहले पहले इस स्कोर को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो बहुत ही जल्द ये मुकाबला जो है वो जीतती हुई नजर आ जाएंगी टीम इंडिया के बैट्समैन। शेफाली वर्मा करीब 150 की स्ट्राइक रेट से लगातार बैटिंग करने जारी रखती हैं अपनी, और वहीं पर स्मृति मंदाना जो कि 100 से ऊपर अपने मैच खेल चुकी हैं, काफ़ी मैच खेलने का अनुभव है, तो वो लगातार अपनी जो है 100 और 125 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी जारी रखेंगी। तो उस एवरेज से देखा जाए अगर 40 और 50 रन तक बन जाते हैं तो पावर प्ले तक ये चेज कर दिए जाएंगे टीम इंडिया के बैट्समैन, पावर प्ले के अंदर अंदर इस रन को चेज कर जाएंगे। हालांकि अभी 3 विकेट बाकी रह जाएंगे, यहाँ से श्रीलंकाई बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ चुकी हैं यहाँ पर सुगंधिका स्ट्राइक पर रहेंगी लगातार। यहाँ पर स्नेहा राणा यहाँ पर अपना ओवर कंप्लीट करती हुई नजर आ जाएंगी, लगातार 3 डॉट बॉल यहाँ पर आ चुकी हैं स्ट्राइक पर। यहाँ पर वो साड़ी पहुंच जाएंगे दोस्तों, वो साड़ी 10 गेंदों में 7 रन पर अभी तक बल्लेबाजी क्रीज पर डटी हुई नजर आ जाएंगी, और इसी के साथ 25 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। तो आपको बताते चलें दोस्तों कि श्रीलंका ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, और बैटिंग करते हुए अभी तक लगातार यहाँ पर 7 विकेट जो है गंवा चुकी है टीम श्रीलंका। 3 विकेट और रह जाएंगे जो कि प्रॉपर गेंदबाज बैटिंग के लिए आ चुके हैं। श्रीलंका 50 रन ही बना पाएगी, जी हां मित्र आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों ने जो है प्रेडिक्शन की है प्रशंसनीय कमेंट्री। मंगललाल जायसवाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 5 लोग और दोस्तों लाइक कर दीजिए, 200 लाइक्स हो रहे हैं हमारे, और कोई 5 मित्र जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, 2000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं हम, तो 2000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मनोबल जो है वो बहुत ऊपर बढ़ता है, और कमेंट में जय हिंद लगाना ना भूले, क्योंकि श्रीलंका को यहाँ पर हार आज के इस मुकाबले में मिलना लगभग नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ 100% कह सकता हूँ कि यहाँ पर तय हो चुकी है और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने वाली है फाइनल। तो एशिया कप जो है मेंस भले ही हार चुके हों इस साल में, लेकिन यहाँ पर महिला टीम ने ये चमत्कार करके दिखाया है कि एशिया कप अपने घर लेकर के आएंगी, तो महिला टीम के लिए एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि जो है वो मानी जाएगी। और आने वाले 2023 में दोस्तों फरवरी और मार्च में T20 वर्ल्ड कप भी नज़र आने वाला है टीम महिला का, जो जनवरी और फरवरी का माह है उसमें
नजर आने वाला है आपको। न्यूजीलैंड में खेला जाएगा महिला T20 वर्ल्ड कप, आयोजित किया जा चुका है और डेट जो है वो रहने वाली है जनवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी के एंड तक आपको यहाँ पर फाइनल देखने को मिलेगा। तो लगातार यहाँ पर आज के बाद टीम इंडिया जो महिला क्रिकेट टीम है वो आपको नजर आ जाएगी दोस्तों, जनवरी में खेलती हुई नजर आएगी और दिसंबर में एक सीरीज आपको दोस्तों जो है वो नजर आने वाली है ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ। यहाँ पर दिसंबर के महीने में एक सीरीज नजर आ जाएगी, तीन मैचों की T20 सीरीज और तीन मैचों की दोस्तों वनडे सीरीज यहाँ पर नजर आने वाली है। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है दोस्तों, 10 ओवर में अभी तक 26 रन ही स्कोर बना पाई है श्रीलंका टीम, 7 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बना रहेगा। जय हिंद जय हिंद मेरे भाई विजय उपाध्याय, सभी लोग एक बार लाइक जरूर से करते जाइए और जितने भी मित्र आए हैं हमारे लाइव पर तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आज के इस दिन में। और यहाँ पर दीप्ति शर्मा अपने 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट कर चुकी हैं और 4 ओवर में अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं दोस्तों, तो इसीलिए अभी तक इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ जो गेंदबाजी रही है ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की रही है, 12 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं उन्होंने और आज हालांकि कोई भी विकेट नहीं मिलेगा लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर जो लगातार रहने वाली हैं दीप्ति शर्मा ही। वुमेन एशिया कप में इस पूरे फॉर्मेट में पूरे टूर्नामेंट में दीप्ति शर्मा लगातार बनी रहेंगी। ड्रिंक्स ब्रेक का यहाँ पर अंपायर का फैसला रहेगा, यहाँ पे इशारा आता हुआ 1 मिनट तक यहाँ पर जो है ड्रिंक्स ब्रेक रहता है दोस्तों, यहाँ पर 2.5 मिनट का नहीं 1 मिनट का सिर्फ और सिर्फ रहता है। तो आपको बताते चलें दोस्तों, श्रीलंका टीम ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है और बैटिंग करते हुए यहाँ पे 26 रन ही बना पाई है, 7 विकेट अभी तक गंवा चुकी है टीम श्रीलंका, 7 विकेट अभी तक दोस्तों गंवा चुकी है और 26 रन ही बना पाई है। 10 ओवर अगर पूरे खेल जाती है और आने वाले जो और 2-3 बैट्समैन आपको नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो स्कोर है वो 60 या 70 रन पहुंचता हुआ नजर आ जाएगा। अगर इसी तो लगातार दोस्तों यहाँ पर स्नेहा राणा आ जाएंगी बॉलिंग के लिए अपना दूसरा ओवर लेकर के, दोस्तों दूसरा ओवर लेकर के आ जाएंगी, सामने रहेंगी यहाँ पे बाएं हाथ की बल्लेबाज ओडिशा दोस्तों ओसाड़ी नाम दोस्तों, आप ऐसे श्रीलंकाई बल्लेबाजों के ही होते हैं, मेंस जो बल्लेबाज होते हैं उनके इस टाइप के नाम होते हैं कि आप बोलने में थोड़ा सा हटपटा जाओगे, यहाँ पर काफ़ी कम मैच होते हैं तो इस वजह से कहा जाए। कहाँ से हो आप भाई? मैं दिल्ली से हूँ। जय हिंद जय भारत। जी जी हाँ, तो लगातार आप लोग सभी लोग लाइक जरूर से करते जाइए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आज बहुत मित्र आए हैं देखने के लिए तो बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद, जितने भी मित्र हमारे चैनल पर आए हैं जिन्होंने भी लाइक कर दिया है सब्सक्राइब कर दिया है। स्नेहा राणा यहाँ पे लगातार अपनी तीसरी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी और यहाँ पर मिस फील्ड के चलते यहाँ पर
बॉल जाती हुई बाउंड्री की ओर, लेकिन फील्डर जब तक उसको थ्रो कर पाते तब तक दोनों बल्लेबाज यहां पर सिंगल भाग गए थे। इसी के साथ स्कोर बढ़कर के 27 रन हो जाएगा 7 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 10 ओवर 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है दोस्तों, 10 ओवर 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है 27 रन। स्नेहा राणा चौथी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी, सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज, और लगातार स्नेहा राणा और यहां पर रेणुका सिंह ठाकुर ने आज 2 विकेट दोस्तों जो है वो चटका दिए हैं, और रन आउट के चलते यहां पर बोल्ड के चलते लगातार जो विकेटों का सिलसिला है वो जारी रहा है। विकेट लगातार यहां पर गिरते चले गए, 7 विकेट हो चुके हैं दोस्तों 27 रन के स्कोर पर। स्नेहा राणा आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, हल्के हाथों से खेल करके बल्लेबाज एक लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर दूसरी छोर खड़े यहां पर बल्लेबाज ने मना कर दिया है कि रहन दीजिए यहां पर रन नहीं है। 11 ओवर का खेल समाप्त हो जाएगा 27, 7 विकेट के यहां पर नुकसान पे लगातार स्कोर बना रहने वाला है। करेंट रन रेट की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर तो 2 रन प्रति ओवर अभी तक यहां से बनाए गए हैं टीम श्रीलंका की ओर से, और स्कोर इसी गति से चलेगा तो 50 रन से पहले पहले यहां पर समाप्त होता हुआ दिख जाएगा। 20 ओवर अगर पूरे खेल जाती है श्रीलंका टीम तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें इंडिया विन, यस यस भारत आज, मैं बहुत ठीक हूं भाई, आप कैसे हैं बताएं। राजेंद्र, राजेश, राजभर भाई आप बताएं कैसे हैं, मैं एकदम ठीक हूं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि यहां पर श्रीलंका ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, और श्रीलंका यहां पर टॉस जीत करके पहले बैटिंग करती हुई नजर आई है। बैटिंग करते हुए पहले अभी तक उन्होंने अपने 7 विकेट दोस्तों गवा दिए हैं, 7 विकेट जो है वो दोस्तों गवा दिए हैं अभी तक। अगला ओवर यहां पर लेकर के आएंगी दोस्तों राजेश्वरी गायकवाड़, टीम इंडिया की स्पिनर गेंदबाजों में से एक प्रमुख स्पिनर गेंदबाज यहां पर लेकर के आएंगी। पहली बॉल पर दोनों बल्लेबाज 2 रन भाग जाएंगे जब तक कि फील्डर उस बॉल को थ्रो कर पाते, यहां पर दोनों बल्लेबाज 2 रन भाग जाएंगे। बल्लेबाज ओसाड़ी के द्वारा यहां पर लगातार अटैकिंग बैटिंग वो है वो देखने को मिल रही है दोस्तों, लगातार स्वीप शॉट मारने का प्रयास किया जा रहा है। स्वीप शॉट के चलते यहां पर LBW करने का भी मौका मिलेगा यहां पर राजेश्वरी गायकवाड़ को। सीधी बॉल स्टंप लाइन पर डाल दी जाए, अगर बल्लेबाज यहां पर मिस कर जाता है तो LBW के रूप में आउट करार दे दिए जाएंगे, और यहां पर फिर से स्वीप शॉट मार दिया है। लगातार यहां पर गेंद जो है बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई नजर आई है, लेकिन फील्डर उस गेंद को रोक लेंगे जब तक थ्रो कर पाएंगे, जब तक 2 रन आ जाएंगे। इसी के चलते 31 रन स्कोर हो चुका है 7 विकेट के नुकसान पे। यहां पर 18 गेंदों का सामना किया है अभी तक, 13 रन बना चुके हैं वो साड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर काफी पांचवें नंबर की बैट्समैन यहां पर आई हुई थी ओसाड़ी, लगातार अभी भी क्रीज पर डटी रहेंगी यहां पर। और सुगंधिका कुमारी 10 गेंदें खेल चुकी हैं अभी तक और कोई भी रन नहीं बनाया दोस्तों, और यहां पर एक और गेंद वाइड बॉल का इशारा रहेगा, बॉल हाथ से छूट सी गई लेकिन अंपायर का फैसला यहां पर वाइड बॉल का आ जाएगा। लगातार स्कोर बढ़ करके दोस्तों 32 रन हो जाएगा। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी लगातार यहां पर गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़, यहां पर आखिरी गेंद लेकर के तैयार हो जाएंगी और यहां पर आउट। जी हां दोस्तों, 8वां विकेट गिरता हुआ 32 के स्कोर पे, यहां पे लगातार 8वां विकेट जो है दोस्तों वो गिर जाएगा। तो आप लोगों की प्रेडिक्शन बिल्कुल दोस्तों जो है वो सही जाती हुई नजर आ रही है, अभी तक ज्यादा रन नहीं बना पाई है।
32 के स्कोर पर दोस्तों जो है वो गिर जाएगा आठवां विकेट, और इसी आठवें विकेट के चलते सिर्फ और सिर्फ दो विकेट और बाकी रह जाएंगे टीम श्रीलंका के। दो विकेट और अगर यहां से गिर जाते हैं तो लगातार यहां पर ऑल आउट होती हुई नजर आ जाएगी। वो साड़ी जो कि अभी तक 20 गेंदों में 13 रन बना चुकी थी, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन यहां पर डायरेक्ट आउट कर दिया जाएगा उनको। लगातार स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया जा रहा था और मिस हुई बॉल और डायरेक्ट वहां पर विकेटों से टकरा गई जा करके दोस्तों, विकेटों से टकराई और एक और सफलता मिल गई यहां पे राजेश्वरी गायकवाड़ को। तो लगातार आज के दिन दोस्तों आप लोग श्रीलंका हारती हुई नजर आ रही है, और जय हिंद जरूर से कमेंट में लिखना भूलेगा नहीं, क्योंकि मेंस जो है आपको बताते चलें रोहित शर्मा कप्तान रहे थे और पूरी टीम इंडिया यहां पर फाइनल में पहुंचने की बात तो दूर रही, वहां पर पहले ही बाहर हो गए थे। तो यहां पर एक महिला टीम के लिए काफ़ी बड़ी यहां पर जीत मानी जाएगी दोस्तों। पुरुषों ने एशिया कप नहीं दे पाया, लेकिन यहां पर महिला टीम जो है एशिया कप लाने में कामयाब रहेगी टीम इंडिया के लिए आज के इस साल में दोस्तों। एशिया कप रोहित शर्मा कैप्टन जो कि नहीं ला पाए हैं, हरमनप्रीत कौर ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगी। और लगातार यहां पर T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है दोस्तों कुछ ही महीनों में, दो और तीन महीने का गैप रह जाएगा। एशिया कप विन टीम इंडिया, यस ओमकार जाधव भाई, जी हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस 2000, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू धन्यवाद। तो आज इतने सारे मित्र आए हैं तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जितने भी मित्र हमारे चैनल पे आए हैं, अभी तक इतने मित्र कभी भी आए नहीं हैं। तो अभी तक दोस्तों 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 12 ओवर में 33 रन 8 विकेट के नुकसान पे लगातार जो है स्कोर श्रीलंका टीम का बना रहेगा। और बल्लेबाजी के लिए दोस्तों आ चुकी हैं यहाँ पर इनोका राणा वीरा, नाम बहुत ही अटपटा है दोस्तों, तो बार बार नाम लेने में यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पर नाम जो है वो नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए माफ कीजिए। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं श्रीलंका के नौवें बल्लेबाज, जी हाँ दोस्तों नौवें बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। अभी तक 8 विकेट गिर चुके हैं, 33 रन का स्कोर हो जाएगा। स्नेहा राणा लेकर के आएंगी लगातार अपना तीसरा ओवर, दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज स्नेहा राणा अभी तक 1 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं, तीसरा ओवर लगातार जारी रखेंगी। और लगातार यहां पर सिंगल आता हुआ एक और चौथी बॉल पर बाएं हाथ की बल्लेबाज जो कि प्रॉपर श्रीलंका की गेंदबाजी के रूप में जानी जाती हैं इनोका, बल्लेबाजी का कोई रिकॉर्ड खास रहा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 85 रन T20 करियर में अभी तक बनाए हैं उन्होंने, तो इस लिहाज से कहा जाए बल्लेबाजी का कोई अनुभव रहा नहीं है अभी तक। स्नेहा राणा लगातार जारी रखेंगे अराउंड द विकेट, और बल्लेबाज कूद करके यहाँ पर उठा करके दे मारा है, फील्डर वहाँ पर मौजूद रहेंगी तब तक फील्डर उस बॉल को यहाँ पर थ्रो कर पाते, एक और रन बढ़ जाएगा, इसी के चलते 34 रन स्कोर हो जाएगा श्रीलंका की टीम का 8 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से 7 ओवर का खेल अभी भी बाकी रहने वाला है दोस्तों, 7 ओवर का खेल बाकी रहने वाला है। स्नेहा राणा यहां पर दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज लेकर के चलेंगी अपने ओवर की आखिरी बॉल, तीसरे ओवर की आखिरी बॉल लेकर के चलेंगी। सामने रहने वाली हैं दोस्तों सुगंधिका, बल्लेबाजी का नाम माफ कीजिए यहां पर बल्लेबाज का नाम है सुगंधिका कुमारी, नाम इंडियन है इसलिए यहां पर बोला जा रहा है, क्योंकि काफी अटपेटे नाम आप कह सकते हैं कि होते हैं, तो
नाम जो है लेना काफी आसान होता नहीं है श्रीलंकाई बल्लेबाजों का, चाहे वो मेंस हो या फिर वो वुमेन्स के खिलाड़ी हो। मेरा भारत मान, आप भारत मान आज के दिन जरूर कह सकते हैं जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पुरुषों की बात कर लेते हैं, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जो कि एशिया कप अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डेढ़ महीना हुआ है, डेढ़ महीना पहले इंडिया की टीम एशिया कप से बाहर हो चुकी है। और किस टीम से हारी थी, बाहर हुई थी, श्रीलंका से ही हारी थी लास्ट मैच और फिर बाहर हुई थी। तो यहाँ पर महिला क्रिकेट टीम ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बदला ले लिया है और जो एशिया कप है उसको भी भारत लाने का जो सपना था इस साल का, वो यहाँ पर महिला क्रिकेट टीम के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार इस मुकाबले में आप कह सकते हैं कि जीत जो है पक्की हो चुकी है टीम इंडिया की। राजेश्वरी गायकवाड़ लेकर के आ जाएंगी अपना चौथा ओवर, यहाँ पर अपनी स्पेल का चौथा ओवर लेकर के आ जाएंगी। अभी तक 14 ही रन खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ और 2 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। लगातार पहली बॉल पर सिंगल आता हुआ बल्लेबाज दोनों स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए हैं। सुगंधिका कुमारी अभी तक 14 बॉलें सामने कर चुकी हैं और 3 रन ही बनाया है दोस्तों। तीसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी राजेश्वरी गायकवाड़, सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज यहाँ पे इनोका रहेंगी सामने बाएं हाथ की बल्लेबाज। राउंड द विकेट जाएंगी और यहाँ पर कोई भी रन नहीं आएगा। हल्के हाथों से खेल करके बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर जो इंडिया के फील्डर हैं वो काफ़ी पास पास लग चुके हैं कि सिंगल जो है उसको रोका जाए तो विकेट अपने आप दबाव में यहाँ पर मिलने वाला है। लगातार चौथी बॉल लेकर के तैयार रहने वाली हैं राजेश्वरी गायकवाड़, अपना स्पेल का यहाँ पर चौथा बॉल लेकर के चलेंगी। आखिरी ओवर डालती हूँ अपनी स्पेल का और एक सिंगल और आ जाएगा। इसी सिंगल के चलते लगातार 37 रन हो जाएगा दोस्तों स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद भी अभी दोस्तों 6 ओवर का खेल जो है वो बाकी रहने वाला है, 6 ओवर का खेल जो दोस्तों बाकी रह जाएगा। लगातार यहाँ पर राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं, एक और सिंगल आ जाएगा। इसी सिंगल के चलते 38 रन स्कोर हो जाएगा। आखिरी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी, राउंड द विकेट जाएंगी और गेंदबाजी में यहाँ पर अभी तक टीम इंडिया की ओर से दोस्तों जो गेंदबाज हैं उनका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ और सिर्फ 4, जी हाँ दोस्तों 4 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल अभी तक किया जा चुका है। दीप्ति शर्मा अपने 4 ओवर कंप्लीट कर चुकी हैं 7 रन देकर के, कोई भी विकेट आज हालांकि अपने नाम नहीं किया है, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर जो है इस टूर्नामेंट में दीप्ति शर्मा बन चुकी हैं। 12 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं अभी तक जितने भी पिछले मुकाबले हुए हैं अभी तक। और रेणुका सिंह ठाकुर यहाँ पर बेहतरीन यॉर्कर बॉलिंग उनकी तरफ से लगातार नजर आई है। 3 ओवर में अभी तक 5 रन दे करके 3 विकेट अभी तक उन्होंने अपने नाम किए हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ 4 ओवर में यहाँ पर अभी तक 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, 16 रन खर्च किए हैं। स्नेहा राणा ने 1 विकेट अपने नाम किया है अभी तक। और अब गेंदबाजी के लिए दोस्तों हेमलता को लाया गया है, गेंदबाजी के लिए टीम इंडिया की तरफ से हेमलता को लाया गया है। सामने रहेंगी सुगंधिका दोस्तों, सुगंधिका कुमारी श्रीलंकाई बैट्समैन सुगंधिका कुमारी रहने वाले हैं। और आज के दिन दोस्तों जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में नजर आए हैं बांग्लादेश में जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फैंस पहुँचे हैं भारी तादाद में। फाइनल मुकाबला है और एशिया कप जीत जाए टीम इंडिया इसी आज से पहुँचे हैं। और टीम इंडिया आज के इस मुकाबले में जो है वो आपको जीतती हुई जरूर से नज़र आने वाली है। फ्री फायर तभी भी बोल दो ब्रो, नहीं भैया फ्री फायर नहीं खेलते हैं। तो आप लोगों का प्रिडिक्शन वो है वो बिल्कुल सही नजर होता हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 40 रन अभी तक बनाए हैं, 50 रन पर ऑल आउट होने को जरूर से देखेगी टीम इंडिया। अपने प्रमुख गेंदबाजों को लगातार यहाँ पर पूरे पूरे ओवर डलवा दिए हैं।
रेणुका सिंह ठाकुर का अभी तक एक ओवर बाकी रह जाएगा, जो कि बेस्ट यॉर्कर बॉल डालने के लिए जानी जाती हैं। हेमलता की यहाँ पर इस ओवर में अभी तक दो रन ही आए हैं सिर्फ और सिर्फ। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हेमलता, और सामने रहने वाली हैं बल्लेबाजी के लिए दोस्तों सुगंधिका। दोस्तों सुगंधिका कुमारी लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाज लगातार आउट होते चले गए हैं। 40 रन स्कोर हो चुका है 15 ओवर के बाद में दोस्तों, 8 विकेट के नुकसान पर। पहले गेंदबाजी करते हुए यहां पर दोस्तों इंडिया टीम ने 15 ओवर में 8 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। श्रीलंका ने दोस्तों टॉस जरूर जीता था, लेकिन यहां पर जीत पूरी तरह से हुई है टीम इंडिया की। 8 विकेट गिर चुके हैं, 2 विकेट यहां से और बाकी रह जाएंगे और 2 विकेट और अपने नाम कर लेते हैं तो टीम श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया जाएगा। और इसी के चलते जो 40 या 50 रन बन सकते हैं, 40 बन चुके हैं, तो 50 और 60 रन का जो पूरा स्कोर होने वाला है दोस्तों, पूरा स्कोर वो 7 और 8 ओवर में टीम इंडिया जो है आसानी से चेज करने वाली है। ध्यान पाटिल स्टेडियम, जी हाँ। तो आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या रहेगी एक बार कमेंट में दोस्तों जरूर से है जो बता दीजिए, और लगातार आप लोग लाइक जरूर से करते जाइए। जितने भी मित्र हमारे देख रहे हैं लगातार लाइक करते जाएंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, वहाँ पर एक लाल बटन का आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा दोस्तों, लाल कलर का वहाँ पर एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर से लिख दीजिए, क्योंकि आज खुशी जो है वो इस बात की हो रही है दोस्तों कि जो महिला क्रिकेट टीम है वो एशिया कप को भारत लाने में कामयाब रहेंगे दोस्तों। जो टीम इंडिया के मेंस क्रिकेटर रहे थे उन्होंने ये काम नहीं कर पाया था, और टीम इंडिया के जो वुमेन्स हैं उन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो जय हिंद दोस्तों कमेंट में जरूर से आप लोगों का लिखना बनता है। मैच फिक्स था नहीं, मैच फिक्स नहीं होता है, अगर मैच फिक्स पहले से ही किया जाए ये आईपीएल में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता है। जितने भी वर्ल्ड कप और टूर्नामेंट करवाए जाते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल स्तर पर, उनमें मैच फिक्स नहीं किया जाता है भाई। स्नेहा राणा अपनी चौथे ओवर की चौथी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी। अभी तक 43 रन बन चुका है 8 विकेट के नुकसान पर दोस्तों। 16वां ओवर लगातार चलता रहेगा और इसके बाद दोस्तों 4 ओवर का खेल और बाकी रह जाएगा यहाँ से, 4 ओवर का खेल और बाकी रह जाएगा। 16वां ओवर ये चलता हुआ नजर आ रहा है, 8 विकेट गिर चुके हैं अभी तक। यहाँ से अगर दोनों बल्लेबाज टिके रहते हैं और बल्लेबाजी अपनी जारी रखते हैं सिंगल डबल से, तो 60 रन आप सोच सकते हैं कि 60 रन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर चौथी बॉल उठा करके खेल दिया, यहाँ पर हवा में गेंद चली जाएगी, काफ़ी ऊपर गेंद गई, लेकिन वहाँ पर कोई फील्डर नहीं तैनात हुआ, इसीलिए यहाँ पर नो मैंस लैंड में गिर जाएगी गेंद, और यहाँ पर एक विकेट जो है वो मिलने का चांस था लेकिन विकेट वो नहीं मिल पाएगा। लगातार यहाँ पर स्कोर 43 रन बना रहेगा। अगली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी स्नेहा राणा, और सामने रहने वाली हैं सुगंधिका कुमारी दोस्तों, सुगंधिका कुमारी सामने रहने वाली हैं। आखिरी बॉल लेकर के तैयार हो जाएंगी स्नेहा राणा अपने स्पेल की, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार रहने वाली हैं। सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज सुगंधिका कुमारी, और ये बड़ा शॉट मारने का प्रयास, क्लीन बोल्ड, जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पर दूसरी सफलता मिल चुकी है आज के इस दिन की, स्नेहा राणा को दूसरी सफलता मिल चुकी है। बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया और बड़ा शॉट हवाई फायर करने के चक्कर में यहाँ पे बल्लेबाज सुगंधिका कुमारी अपनी विकेट गंवा जाएंगी। इसी के चलते 9 विकेट 43 रन पर गिर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अब 50 रन भी मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। टीम श्रीलंका जो है 16 ओवर के बाद में दोस्तों 43 रन 9 विकेट के नुकसान पर लगातार स्कोर बना रहने वाला है। अभी तक गेंदबाजों में दोस्तों पांचवें गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, वो थी हेमलता। हेमलता ने अभी तक एक ओवर डाला है और 2 रन ही दिए हैं सिर्फ,
दीप्ति शर्मा अपना स्पेल कर चुकी हैं दोस्तों, कोई भी विकेट आज उन्होंने नहीं लिया है, 7 रन ही खर्च किए हैं। और वहीं पर आज के इस दिन का रेणुका सिंह ठाकुर का सबसे बेस्ट यहां पर गेंदबाजी वो है नजर आई है, 5 रन देकर के 3 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। एक ओवर अभी भी उनका बाकी रह जाएगा तो देखना होगा। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है वो लगातार यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को लाएंगे, यहाँ पर दाएं हाथ की जो कि तेज गेंदबाज हैं। और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जी हाँ दोस्तों खुद आ गई हैं गेंदबाजी के लिए, गेंद उन्हीं के हाथ में है और गेंदबाजी करेंगी यहाँ पर अराउंड द विकेट। दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हरमनप्रीत कौर, बल्लेबाज ने इसको खेल लिया है ऑफ साइड की ओर और सिंगल आ जाएगा जी। सिंगल के चलते 44 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो जाएगा। लगातार यहाँ पर 17 ओवरों का खेल जारी रहेगा, 17वां ओवर की दूसरी गेंद लेकर के चलेंगे दोस्तों यहाँ पे। 17वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर के लगातार यहाँ पर तैयार रहने वाली हैं दोस्तों, माफ कीजिए यहाँ पर हरमनप्रीत कौर नहीं, यहाँ पर जो आई हैं वो रहने वाली हैं हेमलता गेंदबाजी के लिए, दूसरा ओवर लेकर के आई हैं। तो यहाँ पर गलती हो जाती है, हॉट स्टार नेटवर्क से भी गलती होती है, नाम यहाँ पर पूरा का पूरा ये चेंज कर दिया है आपने, ऐसा कर कैसे कर सकते हो यार। लगातार यहाँ पर 3 डॉट बॉल्स आ चुकी हैं दोस्तों और 5वीं गेंद लगातार यहाँ पर फेंकने के लिए तैयार रहेंगी हेमलता, 17वें ओवर की 5वीं बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। और आखिरी बॉल पर यहाँ पर देखना है क्या होता है, एक सिंगल दौर आता हुआ 5वीं बॉल पर, इसी के साथ स्कोर बढ़कर के 45 रन हो जाएगा 9 विकेट के नुकसान पे, यहाँ पे 45 रन हो जाएगा। अंडर 50 ऑल आउट, हाँ अंडर 50 तो ऑल आउट आपको फिक्स दिख रहा होगा दोस्तों। लगातार आप लोग लाइक कर दीजिए, जिस भी मित्र ने लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। भैया मेरा नाम बोल दो, ओके राजेश राजवत भाई आपका नाम बोल देंगे हम। 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 45 रन 9 विकेट के नुकसान पे यहाँ पर लगातार स्कोर बना रहेगा श्रीलंका टीम का दोस्तों। यहाँ पर जो बल्लेबाजी की बात करी जाए सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट रह जाएगा, लास्ट जोड़ी ये आपको नजर आ जाएगी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की। और यहाँ से अभी भी दोस्तों बाकी रहने वाले हैं 3 ओवर, तो 3 ओवर यहाँ से पूरे खेल जाते हैं तो 10 और 15 रन का इजाफा और किया जा सकता है स्कोर में, नहीं तो यहाँ पर टीम श्रीलंका 50 रन तक ही ऑल आउट होती हुई नजर आ जाएगी आपको। और शेफाली वर्मा को लाया गया है जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं और काफ़ी धांसू बल्लेबाज कही जाती हैं, अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे तेज जो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है शेफाली वर्मा के बैट से रन निकले हैं सबसे तेज। पहली बॉल पे यहाँ पे कोई भी रन नहीं आएगा, दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। और यहाँ पर अंपायर का फैसला दोस्तों, अंपायर का फैसला दूसरी बॉल यहाँ पर वाइड बॉल का आ जाएगा, वाइड बॉल के चलते 1 रन और जुड़ जाएगा, 47 रन का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर। और लगातार क्रीज के बाहर दोस्तों बॉलिंग करती हुई नजर आ रही है शेफाली वर्मा, अभी तक 1 वाइड आ चुकी है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर दोस्तों दूसरी भी वाइड आ चुकी है, 3 गेंदें फेंक दी हैं जिसमें से 2 वाइड आ जाएंगी, दूसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार रहेंगी, दूसरी बॉल जो है दोस्तों फेंकने के लिए वो लगातार यहाँ पर तैयार रहने वाली हैं। अंपायर जो मेन अंपायर रहने वाली हैं दोस्तों शिवानी वर्मा, टीम इंडिया की है फिलहाल, काफ़ी दिन पहले संन्यास ले चुकी और शिवानी वर्मा यहाँ पर अंपायरी करती हुई नज़र आ रही हैं इस फाइनल मुकाबले में। दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क होते ही भाग खड़े हुए, जिसके की चलते 1 रन और आ जाएगा, 48 के स्कोर पर पहुँच जाएंगे। और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे बाएं हाथ की बल्लेबाज
इनोका स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगी, जो कि अभी तक 14 गेंदों का सामना कर चुकी हैं दोस्तों, 14 गेंदों का सामना कर चुकी हैं, तो यहां पे लगातार गेंदों का सामना करती रहेंगी। शेफाली वर्मा अपनी लगातार यहां पर चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। इनोका ने यहां पर हल्के हाथों से खेल करके एक रन और जुड़ जाएगा, तो लगातार यहाँ पे 50 की रन की ओर पहुंच रही है श्रीलंका की टीम। आखिरी बॉल पे यहाँ पे लगातार सिंगल्स आ जाएगा और आखिरी बॉल अभी बाकी रह जाएगी दोस्तों, शेफाली वर्मा की आखिरी बॉल बाकी रह जाएगी और 50 रन 9 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर दर्ज हो जाएंगे दोस्तों। तो श्रीलंका ने यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर 50 रन बना लिए हैं। 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 2 ओवर शेष रह जाएंगे। 2 ओवर में यहाँ से अगर दोनों बल्लेबाजी करते हैं तो 5-5 रन प्रति ओवर बना करके भी 10 रन बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि जो विकेट गिरे हैं वो उस टीम श्रीलंका के कैसे गिरे हैं। पहला विकेट दोस्तों 8 के स्कोर पर गिर गया और दूसरा विकेट दोस्तों 9 के स्कोर पे और तीसरा विकेट लगातार 9 के स्कोर पे और चौथा विकेट दोस्तों लगातार 9 के स्कोर पे गिर गया है। तो टीम इंडिया की जो हैट्रिक हुई थी वो 9 रन के स्कोर पर दोस्तों चौथे ही ओवर में हो चुकी थी। और इसके बाद पांचवा विकेट यहाँ पर लगातार 16 रन के स्कोर पर गिर गया, छठवां विकेट लगातार यहाँ पर 18 रन के स्कोर पर छठवां विकेट गिर गया और सातवां विकेट 25 रन के स्कोर पर और आठवां विकेट दोस्तों 32 रन के स्कोर पर और नौवां विकेट 43 रन के स्कोर पर गिर चुका है। लास्ट विकेट बचा है यहां से और टीम इंडिया यहां पर इस रन को जो है वो 10 ओवर से पहले चेज करना चाहेगी। तो आप आज के इस दिन दोस्तों जय हिंद जरूर से कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि जो टीम इंडिया है मेंस जो अपने प्रमुख खिलाड़ी मेंस रहे थे उन्होंने तो एशिया कप को भारत ला नहीं पाए, फाइनल तक ही नहीं पहुंचे, तो लाना तो दूर की बात छोड़ो, लेकिन महिला टीम ने जो है ये आज के दिन उपलब्धि हासिल करी है दोस्तों, हासिल करी। आप इसको इस मैच को यहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो जीत है वो जरूर से यहाँ पर रहने वाली है टीम इंडिया की। आज के इस मुकाबले में दोस्तों जीत जो है वो रहने वाली है जरूर से। भाई राम राम, बिल्कुल भाई राम राम, कैसे हो आप? तो लगातार आप लोग लाइक करते जाइए, जिस भी मित्र ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और लगातार यार 2000 सब्सक्राइबर के कंप्लीट ये बहुत नज़दीक हैं, मैं देख लेता हूँ कितने बाकी रह गए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम सिर्फ 130 सब्सक्राइबर पीछे रह जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, 130 सब्सक्राइबर दूर रह जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। 2000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं आज के दिन हमारे, तो 2000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। 2000 आप लोग सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। जय हिंद मेरे भाई। आज के दिन टीम इंडिया की बहुत सुंदर जीत होने वाली है और लगातार 19 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, लास्ट ओवर में दोस्तों आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 4 रन और यहां पर इसी के साथ 54 रन बना चुकी है श्रीलंका की टीम 9 विकेट के नुकसान पर और यहां पर लास्ट ओवर लेकर के आ जाएंगी। लास्ट ओवर यहां पर हरमनप्रीत कौर के हाथ में गेंद पहुंच चुकी है और देखते हैं लास्ट जो ओवर है वो किसके हाथ में पहुंचाने वाला है। यहां पर शेफाली वर्मा को दिया जा रहा है ओवर, शेफाली वर्मा अपना दूसरा ओवर लेकर के आएंगी लगातार यहाँ पर, और या फिर रेणुका सिंह ठाकुर भी अभी एक ओवर बाकी रह जाएगा उनका, उनको भी देना चाहिए था। अभी तक 2 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं, तो काफ़ी बढ़िया अभी तक बॉलिंग रही है रेणुका सिंह ठाकुर को। अभी तक दोस्तों 3 विकेट मिल चुके हैं, तो अगर लास्ट ओवर में एक और विकेट उनको मिल जाता है तो आज के दिन का उनका ये चौथा विकेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शेफाली वर्मा को ओवर दे दिया गया है, शेफाली वर्मा ने अभी तक एक ही ओवर डाला था और 6 रन खर्च किए थे।
लेकिन यहाँ पर लगातार यहाँ पर हरमनप्रीत कौर शेफाली वर्मा को ओवर देती हुई नजर आई है। पहली बॉल पर दोनों बल्लेबाज हल्के हाथों से खेल करके सिंगल ले लेंगे और इसी सिंगल के चलते 55 रन स्कोर हो जाएगा लगातार बढ़ करके। बल्लेबाज लगातार आगे बढ़ करके बॉल को खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने रन हैं वो बोर्ड पर दर्ज किए जाएं। अभी के टाइम पे कहां से हो आप बताओ? जीत सिंह, मैं दिल्ली से हूं भाई, आप बताएं कैसे हैं, कहां से हैं आप? और लाइक जरूर से करते जाइए दोस्तों, 1000 लाइक के बहुत क्लोज हैं और 2000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवाने हैं आज के दिन। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर की कमी रह जाएगी यहाँ से, दोस्तों 100 सब्सक्राइबर की कमी रह जाएगी यहाँ से। आप लोग 100 सब्सक्राइबर कोई मित्र जल्दी जल्दी से कर देंगे तो हो जाएंगे आज के दिन हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। लगातार यहाँ पर तीसरी बॉल पर एक सिंगल और आ जाएगा इसी को और स्कोर बढ़ करके दोस्तों यहाँ पर होने वाला है 56 रन। दोस्तों 56 रन स्कोर हो जाएगा। चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी यहाँ पे दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज शेफाली वर्मा और बल्लेबाज यहाँ पर आगे निकल करके दोस्तों कदमों का इस्तेमाल कर करके लगातार बाएं हाथ के बल्लेबाज इनोका यहाँ पर लगातार यहाँ पर बल्ले का जो वो है वो मुंह घुमाती हुई नजर आ रही है और फिर से उठा करके दे मारा है। वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन को टच कर जाएगी, इसी के चलते यहाँ पर 60 रन स्कोर हो जाएगा 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल अभी बाकी रह जाएगी दोस्तों, आखिरी बॉल शेफाली वर्मा की यहाँ पे लगातार बाकी रहेगी और 60 रन जो है वो बोर्ड पर दर्ज कर दिया जा चुका है। और आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी शेफाली वर्मा अपने ओवर की और यहाँ पर अंपायर का फैसला रहेगा। वाइट बॉल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाहर डाल दी है, बल्लेबाज से जितना होगा दूर रखेंगे क्योंकि बल्लेबाज लगातार कदमों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ तो विकेट कीपर के हाथ में बॉल चली जाएगी और रन आउट के रूप में यहाँ पर स्टंप हो जाएंगे बल्लेबाज। अगली बॉल लेकर के तैयार आखिरी बॉल यहाँ पर फिर से उठा करके दे मारा है और 4 रन एक और आ जाएगा, इसी के चलते 65 रन यहाँ पर 20 ओवर में बना चुकी है। 9 विकेट ही गंवाए हैं यहाँ पर श्रीलंका ने, 9 विकेट के चलते यहाँ पर 65 रन यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। लगातार 20 ओवर का खेल जो है समाप्त हो चुका है, 20 ओवर का दोस्तों खेल समाप्त हो चुका है और लगातार कदमों का इस्तेमाल और सीधे बैट से खेला गया शॉट। दो दो फील्डर भाग रहे पीछे मगर कोई भी नहीं रोक पाएगा उसको और 65 रन दोस्तों स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस दिन का बताते चलें आपको, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों श्रीलंका ने गेंदबाजी जो है नहीं चुनी और बल्लेबाजी चुनी, जैसा कि टॉस जीता और टॉस जीते ही बोल दिया यहाँ पर श्रीलंकाई कप्तान ने कि भैया हमें तो सबसे पहले करना है बैटिंग। तो बैटिंग करने उतरी यहाँ पर टीम श्रीलंका की कैप्टन और अनुष्का सवांगी दोस्तों, चमीरा अट्टापट्टू और अनुष्का सवांगी यहाँ पर बैटिंग के लिए आई। तो पहला विकेट दोस्तों यहाँ पर गिर गया, कैप्टन कुछ भी नहीं कर पाई, 12 गेंदों में 6 रन बना करके आउट हुई और एक चौका लगाया सिर्फ और सिर्फ। दूसरा दोस्तों बल्लेबाज यहाँ पर 4 गेंदों में 2 रन बना करके आउट हो गया। तीसरा बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर 5 गेंदों में 1 रन ही बना पाए और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा बल्लेबाज है वो 8 गेंदों में 6 रन बना पाया और दोस्तों यहाँ पर जो पांचवा बल्लेबाज है वो कोई भी रन नहीं बना पाया। दोस्तों जो छठा बल्लेबाज रहा उसने 1 रन बनाया और जो सातवा बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर वो साड़ी की बात कर लेते हैं, 20 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाया दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाज। 8 नंबर के बल्लेबाज की बात कर लेते हैं तो कोई भी रन नहीं बना पाया यहाँ पर। 9 नंबर के बल्लेबाज सुगंधिका कुमारी ने यहाँ पर 24 गेंदों में 6 रन की पारी खेली, वहीं इनोका ने जो कि लगातार नॉट आउट गई 22 गेंदों में 18 रन बनाए। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर स्कोर एक बल्लेबाज ने किया है इनोका ने, जो कि 22 गेंदों में 18 रन 2 चौके उन्होंने लगाए हैं और यहाँ पर अगले बैट्समैन ने 13 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। तो गेंदबाजी की बात करेंगे तो दोस्तों टीम इंडिया की ओर से यहाँ पर 6 गेंदों का इस्तेमाल किया गया है
छह गेंदों में से दोस्तों सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर रहा है वो रेणुका सिंह ठाकुर का रहा है। अभी तक 3 ओवर ही डाले उन्होंने और 5 रन खर्च करके दोस्तों 3 विकेट अपने नाम किए हैं, 1 मिडन ओवर भी उसमें से आया है। दीप्ति शर्मा ने यहाँ पे अपना स्पेल पूरा किया, 4 ओवरों में 7 रन दे करके, कोई भी विकेट अपने नाम नहीं किया। लेकिन जो वुमेन एशिया कप का ये टूर्नामेंट है, इस सीरीज में वो सबसे ऊपर यहाँ पर पायदान पे रही हैं विकेट टेकर के मामले में, 12 विकेट अभी तक इस सीरीज में उनके नाम आ चुके हैं। और दोस्तों राजेश्वरी गायकवाड़ ने भी अपना स्पेल पूरा किया, यहाँ पर दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, 16 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। स्नेहा राणा ने यहाँ पर 4 ओवर में 13 रन दोस्तों यहाँ पर दिए हैं और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। हेमलता को 3 ओवरों में कोई भी सफलता नहीं मिली, 8 रन खर्च किए। वहीं शेफाली वर्मा ने 2 ओवरों में 16 रन खर्च करके कोई भी अपने विकेट नाम नहीं किया है। तो दोस्तों विकेटों की बात कर लेते हैं, लगातार यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज आते चले गए और विकेट लगातार यहाँ पर श्रीलंकाई टीम का गिरता चला गया। सबसे पहले यहाँ पर कैप्टन आउट हो गई 8 रन के स्कोर पे, दूसरा बल्लेबाज दोस्तों 9 रन के स्कोर पे आउट हो गया, तीसरा बल्लेबाज लगातार 9 रन के स्कोर पे आउट हो गया और लगातार चौथा विकेट 9 रन के स्कोर पर दोस्तों गिर चुका। तो 3 बैट्समैन यहाँ पे लगातार 9 रन के स्कोर पर गिरे, टीम इंडिया की हैट्रिक हुई, 2 विकेट यहाँ पर रन आउट के चलते आ गए और एक विकेट दोस्तों यहाँ पर कैच आउट के रूप में आ गया। तो दोस्तों 5वां विकेट यहाँ पर 16वें रन पर गिरा और दोस्तों 18 रन पर 6वां विकेट गिर गया और 7वां विकेट यहाँ पर 25 के स्कोर पे गिरा, 8वां विकेट दोस्तों यहाँ पर 32 के स्कोर पे गिरा और 9वां विकेट 43 के स्कोर पर गिरा और लास्ट विकेट की जो जोड़ी है वो बनी रही। 24 गेंदों में दोनों ने 22 रन साझेदारी कर लिए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो लास्ट में जो दोनों बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने लास्ट विकेट के लिए यहाँ पे 24 गेंदों में 22 रन की साझेदारी करी है, जिसके की चलते 65 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में बना पाई है श्रीलंकाई टीम। तो बल्लेबाजी के लिए दोस्तों यहां पे शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना आपको नज़र आने वाली हैं, दोनों बल्लेबाज यहां पर तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं, पैड्स और बैट लेकर के तैयार हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। और यहां पर श्रीलंकाई कैप्टन अपने फील्डिंग के लिए यहां पर जो खिलाड़ी हैं उनको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको जो है फील्डिंग करनी है, जो ये रन का जो स्कोर दिया गया है 65 रन का जो हमने टारगेट दिया है उसे हम किस प्रकार से डिफेंस कर पाएं। तो आप सभी मित्र एक बार लाइक जरूर से करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जी जाइए। श्रीलंका विन करेगी जी, आपकी प्रेडिक्शन अभी पता चल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि इतना रन जो है वो नहीं बना है, आज के इस दिन जो है वो जरूर से जीतने वाली है, 15 ओवर में ही बन जाएंगे। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं अगर यहाँ पर एक भी बल्लेबाज जो है बेहतरीन पारी खेल जाता है तो ये जो रन्स हैं ये आपको 10 और 12 ओवर के पहले पहले ही चेज करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर विकेट जो गिर जाते हैं फिर थोड़ी सी लेट हो सकता है, लेकिन जो ये मुकाबला है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ से टीम इंडिया दोस्तों जीतने वाली है, आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाइए। जो एशिया कप है वो भारत ही आने वाला है, आप लोग एक बार ज़रूर से अपनी राय देंगे कि आज के इस दिन क्या लगता है आपको, आपकी प्रेडिक्शंस क्या रहेगी। गुड लक फॉर टीम इंडिया आसिम खान, थैंक यू। जी हाँ, तो आज के इस मुकाबले में ज़रूर से दोस्तों जो जीतने वाली है वो टीम इंडिया ज़रूर से जीतने वाली है। 2022 में एशिया कप अगर यहाँ पर मेंस के द्वारा नहीं लाया गया है तो वुमेन खिलाड़ी जरूर से लाने में क्या कामयाब रहेंगी। और लगातार आप लोग लाइक जरूर से करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर कुछ ही मित्र और सब्सक्राइब कर लेंगे, एक जो सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब वाले बटन को आपने दबाना है और सब्सक्राइब कर लेंगे, वैसे ही हमारे 2000 सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस भी मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी जल्दी से और लाइक करते जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं दोस्तों हर एक इंटरनेशनल मैच का
लाइव टेलीकास्ट दोस्तों, लाइव टेलीकास्ट कमेंट्री के रूप में दोस्तों हम लेकर के आते हैं हर एक इंटरनेशनल मैच का। दोस्तों हर एक इंटरनेशनल मैच आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लाइव कमेंट्री के तौर पे सुन सकते हैं, और जब भी कोई भी इंटरनेशनल मैच हो हर एक, और आईपीएल में आने वाले आईपीएल में भी हम आपको हर एक मैच का जो लाइव है कमेंट्री सुनाने वाले हैं। जो ये T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेगा दोस्तों हर एक लाइव का लाइव कमेंट्री। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोगों को हमारी कमेंट्री अच्छी लग रही हो। 7 ओवर विन कन्फर्म, देखते हैं अगर आज ऐसा कर सकती है टीम इंडिया, जो कि 7 और 10 ओवर तक भी अगर इस रन को चेज कर देती है तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी टीम इंडिया के लिए। फिलहाल दोस्तों यहां पर बैटिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं स्मृति मंधाना, और साथ में दोस्तों हैं उनके शेफाली वर्मा। दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन नज़र आने वाला है, दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन नज़र आने वाला है। तो दोस्तों आपको बताते चलें, यहां पर श्रीलंका ने टॉस जीतकर, श्रीलंका विन द टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, तो बैटिंग करने का पहले निर्णय लिया था जो कि थोड़ा सही साबित नहीं हुआ है श्रीलंकाई टीम की ओर से। देखा जाए 65 रन ही बना पाए हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ करेंट रन रेट की बात करेंगे तो इस मुकाबले को जीत के लिए टीम इंडिया को करेंट रन रेट 3.25 का चाहिए होगा। मतलब अगर 20 ओवर भी पूरे के पूरे खेलते हैं और 3 रन प्रति ओवर बनाते हैं, विकेट अपने पास रखते हैं, तो वो ज़रूर से इस मुकाबले में दोस्तों जीत जाएगी टीम इंडिया। दोस्तों टीम इंडिया यहाँ से जरूर से इस मुकाबले को दोस्तों वो है जीतने वाली है। और यहाँ पर बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं, बल्लेबाजी के लिए आपको दिखने वाली हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। जी हाँ दोस्तों, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना आपको बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं और फील्डर लग चुके हैं दोस्तों, टीम श्रीलंका के फील्डर जो हैं वो लग चुके हैं। पहली बॉल यहाँ पर लेकर के तैयार हो जाएंगी श्रीलंका की तेज गेंदबाज, यहाँ पर तैयार हो जाएंगी दोस्तों। ओसाड़ी, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर श्रीलंका की तेज गेंदबाज ओसाड़ी, जिन्होंने कि आज 22 रन दोस्तों बनाए हैं, वो गेंदबाजी के लिए लगातार जारी रखेंगी अपनी गेंदबाजी। अभी तक 57 मुकाबलों में 51 विकेट जो है अपने नाम कर चुकी हैं दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रहने वाली। और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे स्ट्राइक पे पहुँच चुकी हैं शेफाली वर्मा, जो कि 150 के प्लस स्ट्राइक रेट से हमेशा बल्लेबाजी करते हुए नज़र आई हैं अभी तक T20 मुकाबलों में। तो आज देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी रहती है टीम इंडिया के बैट्समैन की ओर से। और पहली बॉल जो है वो दोस्तों डाली जाएगी और वाइड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहली बॉल के यहाँ पे अंपायर के द्वारा वाइड करार दे दिया जाएगा। दूसरी बॉल लेकर के तैयार दाएं हाथ के गेंदबाज ओसाड़ी, सामने रहेंगी शेफाली वर्मा के लिए, और खेल करके भागना चाहते थे मगर यहाँ पर दोनों बल्लेबाज समझदारी से बल्लेबाजी करना चाहेंगे, जरूर से कि रन आउट जो है नहीं होना है आपने। अगर यहाँ से रन आउट और जल्दबाजी करने के लिए जाएंगे तो ज़रूर से यहाँ पर विकेट गंवा सकती हैं, अगर आराम आराम से भी बल्लेबाजी करती हैं तो इस लक्ष्य को जो है वो पाया जा सकता है दोनों बल्लेबाजों को। यहाँ पर कोई तेजी से बल्लेबाजी करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी।
तो यहाँ पे शेफाली वर्मा लगातार स्ट्राइक पे बने रहेंगी और अभी तक दोस्तों 3 रन बन चुके हैं, आखिरी बॉल लेकर के तैयार रह जाएंगी यहाँ पे ओसाड़ी, अपने पहले ओवर की आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगे दोस्तों शेफाली वर्मा। अभी तक 2 बॉलें खेली हैं, 1 रन बनाया है स्मृति मंधाना ने, अभी तक 3 गेंदें खेल करके 1 रन बनाया है दोस्तों। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ आखिरी गेंद पर सिंगल और आ जाएगा, इसी सिंगल के चलते यहाँ पे शेफाली वर्मा लगातार स्ट्राइक पे बनी रहेंगी और 4 रन यहाँ पर पहले ओवर में आ चुके हैं दोस्तों, 4 रन पहले ओवर में आ चुके हैं, 62 रन की जरूरत और रह जाएगी यहाँ से टीम इंडिया को, 114 बॉल अभी भी आपके पास रहेंगी। तो यहाँ पर देखा जाए आधी रन है और बॉल आपसे डबल है, तो यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर उठा दिया है सामने की ओर और यहाँ पर नो मैन्स लैंड में गिर जाएगी, यहाँ पर कैच आउट का जरूर से चांस था फील्डर के पास, लेकिन फील्डर दोनों जो है काफी दूर रह जाएंगे, 30 गज का दायरा उसको क्रॉस करके गेंद गिर जाएगी, बैक फुट पर जाते हुए फील्डर ने जज नहीं कर पाया अच्छे से और कैच जो है वो ले सकते थे लेकिन काफी मुश्किल कैच था। इसी के साथ यहाँ पर लगातार 1 रन और आ जाएगा पहली ही गेंद पर, सुगंधिका कुमारी यहाँ पर लगातार दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर के चलेंगी, दूसरे ओवर की पहली गेंद दोस्तों, जी हाँ दूसरे ओवर की पहली गेंद लगातार लेकर के चलेंगी और यहाँ पर सिंगल आ जाएगा और इसी के साथ लगातार 5 रन हो जाएंगे टीम इंडिया के बिना किसी नुकसान के, दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी सुगंधिका कुमारी, यहाँ पर सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना जो कि अभी तक काफी अच्छे टच में नजर आई हैं और काफी रन्स भी इस टूर्नामेंट में निकले हैं उनके बैट से, ओपनिंग करते हुए उन्होंने काफी रन्स जो हैं वो बनाए हैं अभी तक इस वुमेन एशिया कप में। और यहां पर लगातार दूसरी बॉल डॉट जाती हुई नजर आई है, स्ट्राइक लगातार यहां पर बने रहने वाली है स्मृति मंधाना के पास, टोटल जो है दोस्तों 65 रन का टारगेट दिया गया है टीम श्रीलंका की ओर से, यहाँ पर 65 रन का टारगेट दिया गया है। सो गया कुछ तो बोलो भैया, बोलते हैं मारी छोरी छोरियों से कम है, जी हाँ आप ऐसा भी बिल्कुल कह सकते हैं कि टीम इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बन चुकी है दोस्तों, इंडिया की जो वुमेन टीम है वो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बन चुकी है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर तीसरी बॉल डॉट आती हुई नजर आई है स्मृति मंधाना के बैट से, लगातार यहाँ पर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल डॉट आ चुकी है और उसी के साथ सुगंधिका कुमारी अपनी चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, चौथी बॉल पर यहाँ पर स्मृति मंधाना ने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया लेकिन वहां पर सामने फील्डर तैयार रहेगा, लगातार यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर बने रहेंगे और दाएं हाथ की यहाँ पर स्पिन गेंदबाज सुगंधिका कुमारी लगातार बॉलिंग जारी रखेंगी अराउंड द विकेट, फील्डर को यहाँ पर सेट करती हुई नजर आई है स्मृति मंधाना, यहाँ पर पांचवी बॉल खेल करके कदमों का इस्तेमाल करके यहाँ पे पांचवीं बॉल को बाउंड्री रेखा तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगी, कदमों का इस्तेमाल और बेहतरीन कवर ड्राइव दे मारा है, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल और इसी के साथ 9 रन हो जाएगा दोस्तों स्कोर बढ़ करके टीम इंडिया का बिना किसी नुकसान के, 9 रन पर पहुंच जाएगी टीम इंडिया, आखिरी बॉल अभी भी बरकरार रहेगी, आखिरी बॉल फेंकने के लिए तैयार हो जाएंगी यहाँ पे दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज दोस्तों सुगंधिका कुमारी लेकर के चलेंगी अगली बॉल, सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज और बैक फुट पर जाकर के बॉल को धकेल दिया है, बॉल में हालांकि कोई जान नहीं है, तेज गति से नहीं जा रही है, इसी के कारण यहां पर दोनों बल्लेबाज 2 रन भाग जाएंगे, जब तक कि फील्डर बॉल को पकड़ करके थ्रो कर पाते तब तक दोनों बल्लेबाज यहां पर 2 रन भाग गए थे, इसी के चलते 11 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 2 ओवरों में अभी तक 11 रन बन चुके हैं, अगर इसी गति से भागते हैं दोनों बल्लेबाज तो 10 ओवर तक
तक इस मुकाबले को चेज किया जा सकता है। 10 ओवर तक 65 रन जो हैं वो आसानी से बना जाएगी टीम इंडिया। और देखा जाए तो जो फील्ड में हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आज फैंस पहुँचे हुए हैं, स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ नज़र आ रहा है। फाइनल मुकाबला है वुमेन एशिया कप का, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो गए हैं। और बल्लेबाज शेफाली वर्मा यहाँ से पहली ही बॉल पर कूद कर निकल के आगे आ चुके हैं, और इसी के चलते यहाँ पे दूसरे ओवर में दोस्तों पहली ही बॉल पे यहाँ पे एक रन आ जाएगा। तीसरी ओवर की पहली गेंद पे एक रन आ जाएगा। स्मृति मंदाना स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगे लगातार और यहाँ पर अगली बॉल के लिए तैयार। और स्मृति मंदाना ने उठा दिया है कदमों का इस्तेमाल और बढ़िया कवर ड्राइव, कवर्स के ऊपर से छक्का दे मारा है, और इसी के चलते यहाँ पर दोस्तों जो है 18 रन पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया। बहुत बेहतरीन यहाँ पर कवर ड्राइव, कवर के ऊपर से छक्का मारना, वो भी कदमों का इस्तेमाल करके, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो टीम इंडिया की ओपनर बैट्समैन स्मृति मंदाना, जो कि काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, काफ़ी खूबसूरत शॉट और 6 रनों के लिए अगली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। ओसाड़ी गेंदबाजी के लिए लगातार ओसाड़ी जारी रखेंगी, दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, और यहां पर बैक फुट पर जाकर के यहां पर स्वीप शॉट हल्का सा मार दिया है और 4 रन के लिए। कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, यहां पर पावर प्ले चलता हुआ नजर आया है, तो इसी के चलते एक और 4 रन आ जाएगा, 22 रन स्कोर हो जाएगा टीम इंडिया का। लगातार यहां पर स्कोर बढ़ करके 22 रन हो जाएगा। अभी तक तीसरा ओवर ही चलता हुआ, 3 गेंदों का ही खेल हुआ है और 22 रन बिना किसी नुकसान के हो जाएगा। लगातार दोनों बल्लेबाज यहां पर 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। अभी तक 16 गेंदों में 23 रनों की साझेदारी हो चुकी है, और यहां पर चौथी बॉल पर एक और सिंगल आ जाएगा, और इसी सिंगल के चलते स्ट्राइक रोटेट हो जाएगी और सामने पहुंच जाएंगे दोस्तों यहां पे दाएं हाथ के बल्लेबाज शेफाली वर्मा के लिए। यहां पर ओसाड़ी लेकर के चलेंगी पांचवी बॉल लेकर के चलेंगी, यहां पे सामने रहेंगी बल्लेबाज यहां पर शेफाली वर्मा यहां पर कदमों का इस्तेमाल जरूर से करना चाहेंगी, और काफ़ी ज़्यादा आज के दिन दोस्तों फैंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बॉलर तैयार, और यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पर गेंद उठेगी नहीं, और लगातार यहां पर एक और सिंगल आ जाएगा। इसी सिंगल के चलते यहां पे लगातार 24 रन स्कोर हो चुका है टीम इंडिया का। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगे गेंदबाज श्रीलंका के ओसाड़ी जिनका नाम है दोस्तों, वो लेकर के चलेगी अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, और एक और कवर ड्राइव बेहतरीन सिंगल आ जाएगा। इसी सिंगल के साथ 25 रन का स्कोर हो जाएगा दोस्तों टीम इंडिया का बिना किसी नुकसान के। और अभी तक दोस्तों इस ओवर में कुल मिलाकर के 12 रन आ चुके हैं, तीसरे ओवर में 12 रन आ चुके हैं टोटल, और 18 रन में 25 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने कर लिया। 18 गेंदें का खेली हैं अभी तक, 150 के स्ट्राइक रेट से भागे हैं दोनों बल्लेबाज। 41 रन दूर यहां से रह जाएगी टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक, और स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगी यहां पे स्मृति मंदाना, लगातार स्ट्राइक बनी रहेगी उनके पास। जी हाँ, तो कोई 3 मित्र और जरूर से लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो 1000 लाइक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कोई 3 मित्र और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो हमारे लाइक हैं वो 1000 कंप्लीट हो जाएं। तो सभी मित्र एक बार लाइक जरूर से कर देंगे, और सब्सक्राइब जिस भी मित्र ने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। इंडिया में पावर है, जी हाँ इंडिया में ज़रूर से पावर है, और आप यूं कह सकते हैं कि हमारी छोरी छोरों से कम है के, तो आपकी ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही हो जाएगी। और स्मृति मंदाना ने यहाँ पे उठा करके हमारा एक छक्का और आ जाएगा दोस्तों, पहली ही बॉल पर यहाँ पर छक्का आता हुआ इनोका के दूसरे ओवर में दोस्तों।
और लगातार स्कोर बढ़ करके यहाँ पर 31 रन हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर दोस्तों 6 रन आ जाएंगे। दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगे यहाँ पे गेंदबाज श्रीलंका की। इनोका का ये दूसरा ओवर और बैक फुट पर जाकर बॉल को धकेल दिया हल्के हाथों से फील्डर के पास। जब तक बॉल पहुंचती तब तक दोनों बल्लेबाज सिंगल भाग गए थे। इसी एक सिंगल के साथ 32 रन स्कोर हो जाएगा। शेफाली वर्मा, दाएं हाथ की बल्लेबाज शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगी। अभी तक इस इनिंग में 2 छक्के आ चुके हैं लगातार यहाँ पर स्मृति मंदाना के बैट से, जो कि लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करती हुई नजर आई। अगर इसी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करती हुई नजर आएंगी तो आने वाले जो 2-3 ओवर हैं जो इस स्कोर को 65 रन के स्कोर को आसानी से चेंज कर जाएगी टीम इंडिया। लगातार यहाँ पर अराउंड द विकेट बॉलिंग जारी रहेगी। शेफाली वर्मा यहाँ पर LBW जो है दोस्तों LBW हुई हैं और यहाँ पर अंपायर का फैसला यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। तो लगातार गेंदबाजी जारी रहेगी। चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी कोसाड़ी अपनी चौथी बॉल लेकर के तैयार। चौथे ओवर की चौथी बॉल लेकर के तैयार और कदमों का इस्तेमाल और आगे आ गई थी और हवा में लटकाया यहाँ पे गेंदबाज ने और स्टंप आउट यहाँ पर कर दी जाएंगी। इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ 32 के स्कोर पे टीम इंडिया को पहला झटका लगता हुआ नजर आया है और 1 विकेट अभी तक गंवाया, 32 रन बना चुके हैं। लगातार कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इंडिया हैज विन। ओके जी हाँ, आज के दिन तो इंडिया जरूर से जीतने वाली है। लेट कमेंट्री है देखता हूँ मैं, लेट कमेंट्री तो आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जी नहीं, जो यहाँ पर स्कोर है वो आपको बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है लेकिन जो कमेंट्री है वो आवाज़ मेरी लेट यहाँ पर पहुँच रही है तो आपको सामने से कम दिखाए, पीछे सुन रही होगी। जो वीडियो है वो आपको आगे चलता हुआ नजर आएगा लेकिन मेरी आवाज़ आपको पीछे सुनाई दे रही होगी। इसका रीजन हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत 10 ओवर में चेंज हो जाएगा। जी हाँ, 10 ओवर तक चेंज होने को बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जेमी आ चुकी हैं, 66 मैच खेले हैं अभी तक और 1500 रन जो हैं वो बना चुकी हैं। 100 से प्लस का स्ट्राइक रेट रहने वाला है। लगातार स्ट्राइक पे पहुंचेंगी। इनोका अपनी पांचवी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। चौथे ओवर की पांचवी बॉल सामने आ जाएंगी। दाएं हाथ की बल्लेबाज जेमी खेलेगी अगली बॉल और यहाँ पर कोई रन्स नहीं आएगा। लगातार बल्लेबाजों के द्वारा पहला बल्लेबाज यहाँ पे पहली बॉल खेलते हुए यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और कोई रन्स नहीं आएगा। आखिरी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी। चौथे ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लगातार स्ट्राइक बनी रहेगी दाएं हाथ के बल्लेबाज जेमी के पास। और यहाँ पर बैक फुट पर जाकर के बॉल को धकेल दिया है और सिंगल आ जाएगा। इसी सिंगल के साथ लगातार स्कोर बढ़ करके टीम इंडिया का 33 रन हो जाएगा दोस्तों। एक विकेट के नुकसान पे यहाँ पर 4 ओवर के बाद में 33 रन एक विकेट के नुकसान पे स्कोर हो जाएगा। और लगातार यहाँ पर दाएं हाथ के बल्लेबाज जो है स्ट्राइक पे बने रहेंगे। स्मृति मंदाना अभी भी क्रीज पर मौजूद रहेंगी। 14 गेंदों में 26 रन बना करके खेल रही हैं। जीत के लिए यहाँ से दोस्तों 33 रन बन चुके हैं, 33 रन बाकी रह जाएंगे और 66 रनों पर जो है वो जीत दर्ज हो जाएगी। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो मैच है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए और एशिया कप जो है वो टीम इंडिया अपने नाम करे। क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों मेंस ने इस साल जो है एशिया कप भारत ला नहीं पाए लेकिन यहाँ पर जो है महिला क्रिकेट टीम ने, टीम इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है उसने ये कारनामा करके दिखाया। और आज के दिन आपको ये जो है वो देखने को आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 100% यहाँ पर सही होता हुआ नजर आएगा। लेट कमेंट्री है जी हाँ दोस्त, आपको लग रहा होगा लेट कमेंट्री है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ, 10 ओवर से पहले पहले यहाँ पर जो है ये टारगेट चेंज हो जाना चाहिए। अगर इसी रन रेट से भागेंगे तो 8 ओवर में चेंज हो जाएगा।
और लगातार यहाँ पर दूसरी बॉल पर सिंगल आता हुआ, लगातार दो गेंदों में दो सिंगल्स आ चुके हैं और लगातार टीम इंडिया का स्कोर बढ़ करके 35 रन हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। तीसरी बॉल लेकर के चलेगी यहाँ पे काबिसा दिलहारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नाम काफ़ी ज़्यादा अटपटे हैं श्रीलंकाई खिलाड़ियों के, तो बोलने में थोड़ा सा जवान जो है वो लड़खड़ा जाती है। तीसरी बॉल लेकर के यहाँ पे तैयार रहेंगे और सामने रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज, टीम इंडिया के सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज रहने वाले हैं और लगातार यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ। करेंट रन रेट की बात कर लेंगे तो दोस्तों 8 का चल रहा है, 8 रन प्रति ओवर अभी तक टीम इंडिया यहां तक पहुंची है। और जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ और सिर्फ 2 का है, 2 रन प्रति ओवर अगर बनाते हैं तो भी यहां से आराम से जीता जा सकता है। सामने है दाएं हाथ की बल्लेबाज और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है कदमों का इस्तेमाल जेमी, यहाँ पर 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो जाएंगी। बल्लेबाज लगातार यहाँ पर पहली ही बॉल से कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं और उसी के चलते यहाँ पर एक विकेट और गिर जाएगा टीम इंडिया का। 35 के स्कोर पे लगातार यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ नजर आया है और बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया के कप्तान जो हैं वो आ जाएंगे और श्रीलंकाई खेमे में यहाँ पर एक जो है खुशी की लहर सी उठ पड़ी है कि अगर यहाँ से एक दो विकेट और लगातार यहाँ पर गिरा लिए जाएँ तो यहाँ पर मुकाबले में वापसी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मैन बैट्समैन कह सकते हैं आप स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर अभी भी क्रीज पर डटे हुए रहेंगे तो स्ट्राइक पहुँचेगी हरमनप्रीत के कौर के पास। 5वें ओवर की 4थी बॉल लगातार लेकर के चलेंगी यहाँ पर दिलहारी, गेंदबाज दिलहारी अभी तक लगातार अपनी तीसरी गेंद पर ही विकेट निकाल दिया है उन्होंने और बेहतरीन गेंदबाजी रही है अभी तक। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर, टीम इंडिया के कप्तान और पहली बॉल खेलने के लिए तैयार रहेंगे। राउंड द विकेट जाएंगे बॉलर यहां पर बॉल के लिए और बहुत बढ़िया यहां पर पहली बॉल यहां पर डिफेंस करते हुए नजर आए हैं। अगली बॉल लेकर के तैयार सामने हैं हरमनप्रीत कौर, जी हां टीम इंडिया की कप्तान। जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दोस्तों 31 रनों की ज़रूरत है वो रहने वाली है और बल्लेबाजी में अभी भी काफ़ी दमखम रह जाएगी। 10 ओवर तक आपको ये मुकाबला जो है चलता हुआ नज़र आ सकता है, 10 के 12 ओवर तक चलता हुआ नज़र आ सकता है क्योंकि 2 विकेट जो हैं वो अभी तक गिर चुके हैं। बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद जो है और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, इसके चलते एक विकेट और आ चुका है। हरमनप्रीत कौर अगली बॉल खेलने के लिए तैयार और लगातार कदमों का इस्तेमाल उठा करके दे मारा है और यहां पर 6 रन या 4 रन लगातार देखना होगा, अंपायर का फैसला 4 रन का आ जाएगा। और यहां पर दूसरी ही बॉल पर लगातार बड़ा शॉट मार दिया है जी के चलते यहां पर स्कोर बढ़ करके दोस्तों हो जाएगा 39 रन, ये 2 विकेट के नुकसान पर हो जाएगा। आखिरी गेंद अभी भी बाकी रह जाएगी, दिलहारी गेंदबाज जो कि श्रीलंका के गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज लगातार अपनी आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगे। अभी तक 2 छक्के और 3 चौके इस इनिंग में लगाए जा चुके हैं टीम इंडिया के। बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेल करके 1 रन और प्राप्त कर लिया है, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 90 बॉल अभी भी बाकी रह जाएगी, यहाँ से 26 रन की दूरी पर रह जाएगी टीम इंडिया। एशिया कप को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 26 रनों से दूर रह जाएगी दोस्तों, यहां से 26 रन बनाते ही जो एशिया कप है वो टीम इंडिया अपने नाम कर जाएगी। हालांकि आज के साल इस साल 2022 में 2-2 एशिया कप थे दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया जो मेंस थे उन्होंने तो ये कारनामा कर नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पर जो वुमेन्स टीम है उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है और भारत में एक एशिया कप आने वाला है महिला क्रिकेट टीम के द्वारा, यहाँ पर भारत में एक एशिया कप जो है इस साल आने वाला है दोस्तों। जीतेगा ही इंडिया, बिल्कुल जी हाँ, तो जब आप सभी लोग मानते हैं कि टीम इंडिया जीतेगा तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आप अगर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर से करेंगे भाई तो यहाँ पर आप
टाइम आउट दे दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर आप और भी आईडी बना करके आते हैं तो आप लगातार यहाँ से ब्लॉक ही किया जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपसे भाई करके बात कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा रिस्पेक्ट दे सकते हैं। श्रीलंका वालों करो डांस। जी हाँ, नहीं डांस तो नहीं कर सकते, इंडिया में डांस हो सकता है दोस्तों। अनमोल शेख, थोड़ा सब्र कर लो भाई। अच्छा हाँ, जीतेगी जीतेगी। डांसिंग ऑफ श्रीलंका, नागिन डांस तो यहाँ पे बांग्लादेश की टीम जरूर से करती है, लेकिन जो डांस है श्रीलंका की टीम करती है इसका आई डोंट नो। तो यहाँ पर अगली बॉल पर लगातार यहाँ पे स्ट्राइक पे स्मृति मंदाना बनी रहेंगी। इनोका का लगातार यहाँ पर दूसरा ओवर जारी रहने वाला है। इस ओवर में अभी तक एक रन आया है और यहाँ पर अपील की गई है, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने जो है नकार दिया है। 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर लगातार स्कोर बना रहने वाला है टीम इंडिया का। चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी यहाँ पे दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज इनोका। श्रीलंकाई गेंदबाज यहाँ पर लगातार विकेट लेने के लिए देख रहे हैं, मगर यहाँ पर जो विकेट है वो 2 ही मिले हैं अभी तक उन्हें। अगली बॉल लेकर के तैयार और स्मृति मंदाना ने बैक फुट पर जाकर के बॉल को दे मारा है, हल्का सा स्वीप शॉट बाएं हाथ की बल्लेबाज, और स्ट्राइक रोट आउट हो जाएगी यहाँ पे। हरमनप्रीत कौर पहुँच जाएंगे स्ट्राइक पे। लगातार पांचवी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी इनोका श्रीलंकाई बॉलर। प्रिडिक्शंस सही हुई थी भाई, आपकी प्रिडिक्शन सही हुई थी। अगर आपने 50 और 60 रन बोला हुआ तो लगभग आपकी प्रिडिक्शन सही हुई है, क्योंकि 65 रन ही सही बने हैं। 65 रन ही टीम श्रीलंका बनाई पाई है वहां पे, और 9 विकेट अभी तक अपने गवा चुकी थी अगर आप प्रिडिक्शन करके गए थे पहली इनिंग में। लगातार यहाँ पर 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। 42 रन स्कोर बना रहने वाला है और स्ट्राइक पे यहाँ पे लगातार बनी रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के पास यहाँ पे स्ट्राइक रहने वाली है दोस्तों, जो कि 7 गेंदों में 6 रन बना करके खेल रही हैं। और वहीं स्मृति मंदाना ओपनर बल्लेबाज 17 गेंदों में 28 रन की पारी अभी तक खेल चुकी हैं। लगातार 2 चौके और 2 छक्के भी उनके बैट से निकल चुके हैं। 42 रन 24 रन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दूरी रह जाएगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ट्रॉफी, वुमेन एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो टीम इंडिया का इंतजार कर रही है। चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी हरमनप्रीत कौर को। पूरे ही जो टीम इंडिया का खेमा है खुशी से झूमने वाला है। इस साल का ये वुमेन एशिया कप फाइनल मुकाबला दोस्तों, अभी तक का यहाँ पर टीम इंडिया जो जीत की ओर बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ 20 रन यहाँ से दूर रह जाएगी। दिल हारी लगातार अपना दूसरा ओवर लेकर के आएंगी। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। 7वें ओवर की पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार होंगी दोस्तों कबीसा दिलहारी गेंदबाज श्रीलंका की, और सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंदाना। पहली बॉल लेकर के तैयार चलेंगी यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, और यहाँ पर बैक फुट पर जाकर के बॉल को तमाचा दे मारा है और यहाँ पर बॉल बाउंड्री लाइन को टच कर जाएगी। जब तक फील्डर वहाँ पर पहुँचते पहुँचते, दो दो फील्डर पीछे थे लेकिन वहाँ पर कोई भी फील्डर पहुँच नहीं पाएगा। इसी के साथ 46 रन स्कोर बढ़ करके हो जाएगा। पहली ही बॉल पर 4 रन आ चुका है दोस्तों, 20 रन यहाँ से दूर रह जाएगी। 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर लगातार टीम इंडिया का स्कोर बढ़ करके हो जाएगा। और यहाँ पर स्ट्राइक पर लगातार स्मृति मंदाना बनी रहेंगी। अगली बॉल लेकर के तैयार बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सामने रहने वाले हैं, और सामने लगातार बाएं हाथ की बल्लेबाज बनी रहेंगी टीम इंडिया की। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 20 रन की दूरी रह जाएगी और फील्ड जो है खोल दी गई है, लेकिन श्रीलंकाई जो फील्डर हैं वो अभी भी काफ़ी अंदर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। वो सिंगल और डबल जो है रोकना चाहेंगे, बाउंड्री को यहाँ पे नहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने फिर से
बैक फुट पर जाकर धकेल दिया। तीन तीन फील्डर पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी बॉल लगातार चार रन आ जाएंगे, इसी के चलते लगातार दो चौके और यहाँ पर 50 रन का जो आंकड़ा है उसको छू लिया है। सातवें ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 50 रन यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 16 रन की दूरी रह जाएगी यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया 16 रनों की दूरी पर रहने वाली है इस मुकाबले में। जय हिंद। जी हाँ उमेश ठाकुर, तो आप सभी लोग एक बार जय हिंद से कमेंट को भर दीजिए। इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 15 रन की जरूरत रह जाएगी। एक सिंगल और इसी सिंगल के चलते यहाँ पे हरमनप्रीत कौर स्ट्राइक पे पहुँच जाएंगी, जो कि एक आध बड़े शॉट जरूर से यहाँ पे लगाना चाहेंगी। फाइनल मुकाबले में फाइनल मुकाबला है, रन ज़्यादा बने नहीं दोस्तों। पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 65 रन बोर्ड पर दर्ज कर पाई है। जवाब में उतरी टीम इंडिया, सातवें ओवर में लगातार 50 का आंकड़ा छू ली है और यहाँ पर चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी सामने हरमनप्रीत कौर, और सिंगल नहीं ले पाएंगे दोनों बल्लेबाज। यहाँ पे लगातार 51 रन स्कोर बना रहेगा। इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं। कवासी दिलहानी ने अभी तक एक ओवर डाला है, पहले ही ओवर में एक विकेट अपने नाम किया था, लेकिन लगातार वहां पर दूसरा ओवर महंगा साबित होता हुआ नजर आया है बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर। यहाँ पे स्ट्राइक पे कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सामने फील्डर मौजूद रहेंगे, नो मैंस लैंड में गेंद गिर जाएगी फील्डर के सामने। तो इसी के साथ एक सिंगल दौर और इसी सिंगल के साथ 52 रन दो विकेट के नुकसान पे लगातार स्कोर बढ़ करके हो जाएगा। 14 रन की दूरी यहाँ पर रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया को जीत के लिए इस मुकाबले में। और इसी के साथ यहाँ पर आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, सामने रहेंगी दाएं हाथ की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के लिए। और आखिरी बॉल पर यहाँ पर कोई भी रन नहीं आएगा, जिसके चलते यहाँ पे 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 12 सिर्फ और सिर्फ 14 रन दूर रह जाएगी यहाँ से टीम इंडिया दोस्तों, 14 रन की दूरी पर रह जाएगी इस मुकाबले में जीत के लिए। और लाइक नहीं किया है आपने तो जल्दी से सभी मित्र एक बार लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मित्र एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं हर एक इंटरनेशनल का लाइव स्कोर। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम हर एक इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोर लेकर के आते हैं, और वर्ल्ड कप जो है वो भी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो प्रैक्टिस मैच है 17 तारीख को दोस्तों, जरूर से जुड़िएगा। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वार्म अप मैच खेला जाएगा सुबह 9 बजे से यहाँ पे वार्म अप मैच खेला जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर से जुड़िएगा, हम आपको बोल बाय बोल सुनाने वाले हैं कि के राहुल कितना मारेंगे प्रैक्टिस मैच में, और यहाँ पे हार्दिक पांड्या भाई कुनफू पांड्या वो कितने रन मारने वाले हैं प्रैक्टिस मैच में, क्योंकि बल्लेबाज प्रैक्टिस मैच में यहाँ पे ज़्यादा रन जो है बल्ले को घुमाना चाहेंगे, और ताकि वर्ल्ड कप में अपने जो बल्ले से हैं रनों की बौछार कर सकें। तो आप लोग लगातार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार आपको टीम इंडिया और सारे के सारे जो भी इंटरनेशनल मैच हैं सबका लाइव स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आठवें ओवर की शुरुआत करेंगी, यहाँ पर इनोका तीसरा ओवर लेकर के आती हूँ। पहले ही गेंद पर बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर यहाँ पर 2 रन भाग जाएंगी, बैक फुट पर जाकर के बॉल को दे मारा है कवर्स की ओर में, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। जब तक कि फील्डर बॉल को पकड़ करके थ्रो कर पाते, विकेट कीपर के हाथों में एक बॉल आ पाती, तब तक वहाँ पर दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा कर गए थे। दूसरी बॉल लेकर के तैयार, दूसरी बॉल पर यहाँ पर कोई भी रन नहीं आएगा, लगातार यहाँ पर 2 बॉलों का खेल हुआ है अभी तक। तीसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी श्रीलंका की गेंदबाज इनोका, और स्कोर दोस्तों लगातार यहां पर 54 रन दो विकेट के नुकसान पे बना रहेगा, 12 रन दूर रह जाएगी टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों मेंस की, तो यहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या यहां पर जो है एशिया कप को भारत लाने में कामयाब नहीं रहे थे,
लेकिन यहाँ पर टीम महिला, यहाँ पर टीम इंडिया की जो महिला टीम है उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। आज के इस दिन सिर्फ और सिर्फ 12 रन दूर रह जाएंगी। चौथी बॉल लेकर के तैयार सामने रहेंगी यहाँ पे दाएं हाथ की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर इनोखा के लिए, और यहाँ पर एक और रन आ जाएगा, इसी के चलते 11 रन दूरी पर रह जाएगी, 55 रन का स्कोर हो जाएगा 2 विकेट के नुकसान पे। और स्मृति मंदाना जो कि अभी तक दोस्तों बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई नजर आए हैं, 2 छक्के और 4 चौके अभी तक बैट से अपने निकाले हैं, लास्ट बॉल खेलने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे इनोखा लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे, यहाँ पे राउंड द विकेट चलेंगी, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज सामने रहेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि अभी तक काफी बढ़िया बल्लेबाजी करती नजर आई है, 150 से ऊपर की जो बल्लेबाजी रही है, कदमों का इस्तेमाल और ये उठा दिया है, सामने कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, यहाँ पर कन्फर्म जरूर करेंगे अंपायर, 4 रन है यहाँ पर, 6 रन, लेकिन यहाँ पर 4 रनों का इशारा रहेगा, इसी के चलते यहाँ पर जो है स्कोर दोस्तों 59 रन का स्कोर हो जाएगा, 7 रन दूर रह जाएगी। यहाँ पर आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाता हुआ दोस्तों, 8 और 9 ओवर में, यहाँ पर 8 ओवर के बाद 59 रन हो चुका है, 9 और 10 ओवर में लगातार आपको जीत हासिल होती हुई नजर आ जाएगी। इस ओवर में कुल दोस्तों 7 रन आ चुके हैं, इनोखा के तीसरे ओवर में 7 रन्स आ चुके हैं, और श्रीलंका ने अभी तक ज़्यादा बॉलरों का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उनके 2 ही बॉलर लगातार बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं जो कि 32 और 35 रन खर्च कर चुके हैं, और लगातार यहाँ पर अपना 4th ओवर लेकर के दोस्तों आ जाएंगे बल्लेबाज, यहाँ पर लगातार 4th ओवर लेकर के दोस्तों तैयार रहेंगे। और स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगी हरमनप्रीत कौर दोस्तों, हरमनप्रीत कौर 13 गेंदों में 10 रन बना करके खेल रही है, और ओसाड़ी अपना 3rd ओवर लेकर के आ जाएंगी, ओसाड़ी गेंदबाज यहां पर अपना 3rd ओवर, और पहली बॉल वाइड के चलते 60 रन बोर्ड पर दर्ज हो जाएंगे 2 विकेट के नुकसान पे, 6 रन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से टीम इंडिया जीत की दूरी पर रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 6 रन दूर रह जाएगी टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत के लिए। तो आप लोगों ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को सभी मित्र एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं हर एक इंटरनेशनल मैच का दोस्तों लाइव स्कोर आपके लिए लेकर के आएंगे। और 17 तारीख को दोस्तों जाइएगा नहीं, क्योंकि 17 तारीख को आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बॉर्म मैच, जो आपको कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा, आप कहीं पर भी देखेंगे बॉर्म अप मैप आपको स्कोर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपके लिए लेकर के आएंगे लाइव कमेंट्री। जी हाँ दोस्तों, लाइव कमेंट्री हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और जुड़ जाइएगा 17 तारीख को 9 बजे दोस्तों, सभी मित्र जुड़ जाइएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपको दिखेंगे एरोन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या भी दिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर लेवल स्कोर हो चुका है, पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल पर सिंगल, और स्मृति मंदाना ने यहाँ पर फिर से उठा करके दे मारा है बॉल को, कदमों का इस्तेमाल लगातार, और 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रनों के लिए, और स्कोर हो चुका है टीम इंडिया का यहाँ पर लगातार लेवल, और यहाँ पर आखिरी 1 रन की जरूरत रह जाएगी टीम इंडिया को जीत के लिए। यहाँ पर ओसाड़ी चलेंगी अपनी 3री बॉल लेकर के, लगातार तैयार रहेंगी, और सामने रहेंगी दोस्तों बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंदाना, जो कि अभी तक लगातार 200 से प्लस का स्ट्राइक रेट बनाए हुए बल्लेबाजी कर रही हैं यहाँ पे सामने, और यहाँ पर घुटना टेक शॉट, और ये टीम इंडिया जीत चुकी है मुकाबला दोस्तों, ये टीम इंडिया जीत चुकी है, लास्ट बॉल पर छक्का दे मारा है यहाँ पर, बहुत ही घोटा टेक शॉट कहेंगे इसको कि, और 6 रनों के साथ, इसी के साथ टीम इंडिया ने एशिया कप को अपने नाम कर लिया है, इंडिया विन बाय 8 विकेट्स दोस्तों, यहाँ से 8 विकेट रहते हुए यहाँ पर टीम इंडिया ने जो एशिया कप है वो अपने नाम कर लिया है, 25 गेंदों में 51 रन की एक बेहतरीन पारी खेल दी है स्मृति मंदाना ने, श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ 65 रन बनाए उसमें से जवाब में उतरी स्मृति मंदाना ने 25 गेंदों में 51 रन अकेले ही बना डाले हैं, जिसके की चलते
टोटल 71 रन यहां पर बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान पर, और टीम इंडिया दोस्तों इस मुकाबले को जीत चुकी है। जी हां दोस्तों, तो टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत चुकी है। तो दोस्तों आपको बताते चले, यहां पर टॉस जीत करके श्रीलंकाई बैट्समैन ने, यहां पर श्रीलंका की जो कप्तान है, श्रीलंका कप्तान ने चमारी अट्टा पट्टू ने यहां पर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, और पहले बैटिंग करते हुए यहां पर 65 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर पूरे खेल करके यहां पर बनाए थे 65 रन। जवाब में उतरी यहां पर टीम इंडिया, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं और टीम इंडिया जीत चुकी है फाइनल मुकाबला। और वुमेन एशिया कप वो है वो अब भारत आएगा दोस्तों, जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है वो टीम इंडिया भारत लेकर के आने वाली है। हालांकि ऐसा काम जो है खिलाड़ी जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं हुआ है इस साल, लेकिन यहां पर हरमनप्रीत कौर ने जो है ये काम जरूर से किया है। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट को भर दीजिएगा जय हिंद से दोस्तों, कमेंट को एक बार जय हिंद से जरूर से भर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया के जो वुमेन्स हैं वो छोरी छोरों से कम है, कि हमारी छोरी छोरों से कम है, आप में से 90% लोग इस स्लोगन को जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, तो आप लोग एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा दोस्तों, और लगातार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार हम आपके लिए लेकर के आएंगे दोस्तों। और स्कोर दोस्तों लगातार यहां पर लेबल हो चुका है, टीम इंडिया दोस्तों जो है जीत चुकी है। तो दोस्तों आपको हम स्कोर बता देते हैं, यहां पे श्रीलंका सबसे पहले उतरी, यहां पर श्रीलंका ने यहां पर कोई भी बैट्समैन 4 और 6 रन और 10 रन से ऊपर नहीं बना पाए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर इनोका ने 18 रन की पाली घेरी, और ओडिशा यहां पर नाम है यहां पर श्रीलंकाई बैट्समैन का, उन्होंने 13 रन की पारी के लिए बाकी 1-2 रन बना करके आउट हो गए। तो वहां पर विकेटों की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आज के इस दिन में रेणुका सिंह ठाकुर ने 3 ओवरों में दोस्तों 3 विकेट लिए हैं 5 रन खर्च करके। दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन स्पेल डाला है, 4 ओवर में 7 रन दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 रन दे करके, और 4 ओवर अपने निकाल दिए हैं, 1 भी विकेट नहीं लिया है। लेकिन हालांकि इस जो सीरीज रही है पूरे एशिया कप में अभी तक उन्होंने 12 विकेट अपने नाम किए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं, और जो बेस्ट ऑलराउंडर मैन ऑफ द मैच रहेंगी वो दीप्ति शर्मा ही रहने वाली हैं। इस टूर्नामेंट की बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड जो है वो दीप्ति शर्मा को दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच दोस्तों यहाँ पर स्मृति मंधाना को दिया जाने वाला है, और यहाँ पर टीम इंडिया की लेडीज यहाँ पर चारों तरफ ग्राउंड के घूम करके जो फैंस हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी भारी संख्या में काफी भीड़ पहुंची हुई थी दोस्तों, बांग्लादेश में काफी हद तक यहाँ पर टीम जो हिंदुस्तानी फैंस हैं वो पहुंचे हुए थे, और नीली जर्सी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और ग्राउंड के चारों तरफ आपको घूम करके यहाँ पर सभी का शुक्रिया अदा करती हुई नजर आ रही हैं टीम इंडिया की सारी खिलाड़ी। और यहाँ पर अब फोटो खिंचाने का भी जो है वो सिलसिला जारी रहेगा, और यहाँ पर जो ट्रॉफी है वो भी टीम इंडिया को दी जाने वाली है कुछ ही मिनटों में। लगातार आप लोग हमारे साथ अभी बने रहिए, जब तक ट्रॉफी जो है जीत दी जाती है तब तक हम आपके साथ जरूर से जुड़े रहने वाले हैं। कुछ सीख लो एसके, जी हाँ आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेंस टीम है टीम इंडिया को उनको सीखना चाहिए, और आप ऐसा भी कह सकते हैं धोनी की कप्तानी में आप जीतते थे कप, फाइनल जीतते थे, चैंपियन ट्रॉफी जीतते थे, एशिया कप जीतते थे, वर्ल्ड कप जीतते थे, और कोहली की कप्तानी में आप फाइनल तक पहुँचते थे, और रोहित शर्मा की कप्तानी में दोस्तों आप एशिया कप से ही बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहने की बात जरूर से होगी कि रोहित शर्मा की कप्तानी अभी तक सफल नहीं रही है, और जो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, उसमें भी देखना होगा टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। कैप्टन रोहित शर्मा यहां पर जरूर से चाहेंगे कि एशिया कप में नहीं कर पाए जो फाइनल तक नहीं पहुँच पाए, वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुँचें और मुकाबले को अपने नाम करें, जो वर्ल्ड कप है उसको जीत कर आएँ। यहाँ पर एशिया कप मेंस ने नहीं जीता है, लेकिन यहाँ पर
बेहतरीन तौर से यहाँ पर टीम इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है वो भारत जरूर से लेकर के आएंगी एशिया कप को। और अभी तक गेंदबाजी की दोस्तों बात कर लेते हैं, बांग्लादेश के गेंदबाजों ने यहाँ पर दोस्तों कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया है। बांग्लादेश की ओर से दोस्तों श्रीलंका की ओर से 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। ओडिशा ने अपने तीसरे ओवर में ही दोस्तों मैच को खत्म करवा दिया, 2 ओवरों में 30 रन देकर के सबसे महंगी साबित हुई और एक एक विकेट यहाँ पर इनोका और कबीसा दिलवारी को एक एक विकेट मिला है। 3 और 2 ओवर में 17-17 रन दे करके एक एक विकेट अपने नाम किया है। तो आप लोग लगातार जय हिंद जरूर से कमेंट में सभी मित्र एक बार लिख दीजिएगा और लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जैमी के रहने वाले हैं, जैमी यहाँ पर मोस्ट रन्स इस सीरीज में अभी तक बनाए हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर दीप्ति शर्मा रही हैं और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बल्लेबाजी जो रही है वो रही है स्मृति मंधाना के बैट से अभी तक इस मुकाबले में। और आज की मैन ऑफ द मैच भी रहने वाली हैं स्मृति मंधाना, लगातार 25 गेंदों में 51 रन बनाए हैं, 3 छक्के और 6 चौके की मदद से 25 गेंदों में 51 रन जो हैं वो जड़ दिए हैं अभी तक। जी हाँ, ट्रॉफी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है दोस्तों, ट्रॉफी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर ट्रॉफी है वो टीम इंडिया के हाथ में आने वाली है। खुशी का यहाँ पे ठिकाना अभी देखना है कैसी खुशी रहने वाली है टीम इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है। सभी क्रिकेट टीम यहाँ पर महिला की पूरी खिलाड़ी यहाँ पर सभी ग्राउंड के ओर घूम करके चारों तरफ घूम करके यहाँ पे सभी फैंस का धन्यवाद कर दिया है क्योंकि आज के इस दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फैंस जो हैं वो पहुँचे हुए हैं बांग्लादेश इस मुकाबले को देखने के लिए। और ज़्यादा हर जगह पर आप जानते हैं टीम इंडिया के ही फैंस नज़र आते हैं और मंच तैयार हो चुका है दोस्तों, मंच तैयार हो चुका है। कुछ ही मिनटों में आपको यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे ट्रॉफी जो है वो दे दी गई है टीम इंडिया को। लगातार आपको दोस्तों बताते चलें, इंडिया 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत चुकी है। प्रेडिक्शन जिसने भी किया था कि 10 ओवर से पहले पहले मुकाबला जो है वो जीत जाएगी तो वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही नज़र आया है, 10 ओवर से पहले पहले ही यहाँ पर मुकाबला जो है वो जीत चुकी है टीम इंडिया। और आप सभी लोग एक बार जरूर से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपके लिए लेकर के आएंगे हर एक इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोर दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, हर एक इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोर जो है वो दोस्तों लेकर के आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, 3000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं हम, तो 3000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी जल्दी से करवा दीजिए। जिस भी मित्र ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है 3 सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ बाकी रह जाएंगे। जी हाँ, कमेंट में आपने जय हिंद लिखा होना चाहिए क्योंकि टीम इंडिया जो है एशिया कप लेकर के आ रही है वुमेन टीम। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रोहित शर्मा और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है वुमेन क्रिकेट की। यहाँ पर दोस्तों वुमेन क्रिकेट ने जो आज के दिन करके दिखाया है तो मेंस टीम इस साल नहीं करके दिखा पाई है, एशिया कप फाइनल तक भी नहीं पहुँचा पाए थे लेकिन यहाँ पर जो है इस मुकाबले को जीत लिया है। चमचमाती ही ट्रॉफी दोस्तों हरमनप्रीत कौर दी जाएगी, हरमनप्रीत कौर अपने हाथों से यहाँ पर खिलाड़ियों की ओर लेके जाते हुए नजर आएंगे चमचमाती हुई एशिया कप ट्रॉफी। मंच तैयार कर दिया गया है, तो आप लोगों से दोस्तों मिलेंगे अगले मुकाबले में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा और लाइक जरूर से करते जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा। जिस भी मित्र ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं आप लोगों से अगले मुकाबले में। जय हिंद एंड वंदे मातरम, लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग
जरूर से अपना समर्थन दर्ज कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे, कुछ ही मित्र और सब्सक्राइब कर देंगे तो 3000 सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो 3000 सब्सक्राइबर आप जल्दी जल्दी से कर दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।
तो जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस मुकाबले में आपको बताते चलें कि यहाँ पर श्रीलंका ने पहले टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। तो जवाब में दी हाँ दोस्तों, सबसे पहले श्रीलंका की टीम की बात करेंगे। यहाँ पर रन्स किस प्रकार से बने हैं और विकेट किस प्रकार से गए हैं श्रीलंका टीम के, तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की। यहाँ पर श्रीलंका की ओर से बल्लेबाजी के लिए आए दोनों ओपनर से यहाँ पर 12 रन, 12 गेंदों में 6 रन और 4 गेंदों में 2 रन बना करके आउट हो जाएंगे और लगातार विकेट गिरते चले गए, और जिसके जवाब में यहाँ पर 65 रन ही बना पाए। यहाँ पर श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में टोटल 9 विकेट खो करके 65 रन ही बना पाए दोस्तों। वहीं टीम इंडिया की गेंदबाजी की बात करेंगे, बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर रहा रेणुका सिंह ठाकुर का, जो कि आज के इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी रही हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो स्मृति मंधाना को देना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी के चलते यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को मैन ऑफ द मैच दिया गया है दोस्तों। मैन ऑफ द मैच यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को दिया गया है, जिन्होंने 3 ओवर में 5 रन खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ, 3 विकेट अपने नाम किए हैं, 1 मिडन डाला है। सोच सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितनी बेहतरीन गेंदबाजी रही है 3 ओवर में दोस्तों, 3 विकेट और 1 मिडन ओवर, सिर्फ और सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। वहीं दीप्ति शर्मा की बात करेंगे दोस्तों, दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए हैं। तो श्रीलंकाई बल्लेबाज, किसी भी बल्लेबाज के द्वारा यहाँ पर दीप्ति शर्मा की ओर गेंदबाजी में रन नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 रन ही खर्च किए हैं। 4 ओवर उन्होंने आज अपने पूरे डाले थे। राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करेंगे, राजेश्वरी गायकवाड़ ने दोस्तों आज 16 रन दे करके 2 विकेट अपने नाम किए हैं, 2 विकेट अपने नाम किए हैं, अपने स्पेल में सिर्फ और सिर्फ 16 रन ही खर्च किए हैं। स्नेहा दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा राणा की बात करेंगे, 4 ओवर उन्होंने भी अपने डाले, 13 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम उन्होंने भी किया है। और यहाँ पर हेमलता की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गेंदबाजी में हेमलता ने 3 ओवर में 8 रन खर्च किए हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई विकेट अपने नाम नहीं किया है। शेफाली वर्मा ने 2 ओवर में यहाँ पर 16 रन खर्च किए हैं। तो श्रीलंकाई टीम का दोस्तों विकेटों की बात करेंगे, विकेट किस स्तर से गिरे हैं, कौन कौन से ओवर में गिरे हैं, कैसे विकेट, तो दोस्तों पहला विकेट यहां पर तीसरे ओवर में गिर गया, लगातार 8 रन के स्कोर पर यहां पर तीसरे ओवर में पहला विकेट गिर गया। और दूसरा विकेट दोस्तों यहां पर चौथे ओवर में गिर गया, लगातार 9 के स्कोर पर। और चौथे ओवर में दोस्तों तीसरा विकेट, चौथा विकेट, लगातार 3 विकेट दोस्तों यहां पर टीम इंडिया की हैट्रिक हुई, 2 रन आउट के चलते और 1 कैच के चलते यहाँ पर 3 विकेट लगातार टीम इंडिया को चौथे ओवर में मिले। छठवें ओवर में दोस्तों पांचवा विकेट गिरा श्रीलंका टीम का, और इसके बाद दोस्तों सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर छठवां विकेट गिर जाता है, 18 के स्कोर पर यहाँ पर छठवां विकेट श्रीलंका का गिर जाता है। तो रन कहाँ से बना पाती श्रीलंका, लगातार जो है वो विकेट गिरते रहे। सातवां विकेट दोस्तों यहां पर 25 के स्कोर पर गिर गया, 9वें ओवर की शुरुआत में ही तीसरी बॉल पर। और यहां पर आठवां विकेट 32 के स्कोर पर 12वें ओवर में गिर गया, और 9वां विकेट दोस्तों जो है 43 रन के स्कोर पर गिर गया 16वें ओवर में। तो टोटल यहां पर 20 ओवर में श्रीलंका की टीम 65 रन ही बना पाई बल्लेबाजी करते हुए, और 9 विकेट जो है वो गवा दिए। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे टीम इंडिया की ओर से ओपनर बैट्समैन आए, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आए, और स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों में 51 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, 200 के प्लस स्ट्राइक रेट से, जिसमें कि 3 छक्के उन्होंने लगाए और 4 चौके दोस्तों, 6 चौके उन्होंने लगाए। शेफाली वर्मा यहाँ पर 8 गेंदों में 25 रन बना करके आउट हो गई, और जैमी दोस्तों यहाँ पर 4 गेंदों में 2 रन बना करके आउट हो गई। हरमनप्रीत कौर ने 1 चौके की मदद से 14 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसके की चलते यहाँ पर टीम इंडिया ने दोस्तों लगातार
नौवें ओवर में ही इस मुकाबले को चेज कर दिया है। 9 ओवर का ही खेल हो पाया और 71 रन बना दिए हैं और 8 विकेट से इस मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबला दोस्तों वुमेन एशिया कप का यहां पर जीत चुकी है टीम इंडिया। स्कोर बोले प्लीज, तो यहां पर अश्वनी बालाजी पूछ रहे हैं कि स्कोर भैया हम बता चुके हैं आपको कि यहां पर स्कोर जो है कुछ इस प्रकार से रहा है। टीम इंडिया जीत चुकी है यहां पर 8 विकेट से, यहां पर जीत चुकी है। मैन ऑफ द मैच यहां पर रेणुका सिंह ठाकुर बन चुकी हैं, जिन्होंने कि 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं और 3 विकेट अपने नाम किए हैं, एक मिडन ओवर भी डाल दिया है। और यहीं पर मैन ऑफ द मैच रेणुका सिंह ठाकुर रही हैं। मोस्ट रन का जो अवार्ड है वो दिया गया है जेमी को, और ऑलराउंडर जो इस टूर्नामेंट का जो ऑलराउंडर का खिताब है वो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दीप्ति शर्मा, यहाँ पर बेस्ट ऑलराउंडर सीरीज बनी है दोस्तों। और यहाँ पर चमचमाती हुई ट्रॉफी हरमनप्रीत कौर को दी गई है और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने ले जा करके स्मृति मंधाना के हाथ में पकड़ा दी है दोस्तों। यहाँ पर सारे बल्लेबाजों ने खुशी का जश्न मनाया है और फुलझड़ी यहाँ पर उलझाड़ी गई हैं। तो इसी के चलते टीम इंडिया एशिया कप के इस फाइनल मुकाबले में दोस्तों जीत चुकी है। और मेंस जो नहीं कर पाए थे इस साल जो दोस्तों मेंस टीम नहीं कर पाई थी वो वुमेन टीम ने करके दिखाया है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये टीम इंडिया के जो मेंस खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत सीख वाली बात रहेगी कि यहाँ पर इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने जीत करके दिखाया है जो एशिया कप है। वर्ल्ड कप की बात होती है तो चलो वो इंटरनेशनल, वहाँ पर वर्ल्ड कप भयंकर भयंकर टीमें खेलती हैं, लेकिन आप जब ऐसे अपने एशिया कप से ही बाहर हो जाते हैं, फाइनल तक नहीं पहुँचते हैं, तो लगातार यहाँ पर जो इंडियंस फैंस हैं उनको लगातार यहाँ पर बुरा जरूर से लगता है। क्योंकि कहा जाए तो धोनी की कप्तानी में आप फाइनल जीतते थे, कोहली की कप्तानी में आप फाइनल तक पहुंचते थे, और यहां पर फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो अभी तक जो रोहित शर्मा की कप्तानी रही है वो बिल्कुल फ्लॉप कप्तानी रही है। अगर यहां से रोहित शर्मा अभी जो T20 वर्ल्ड कप दोस्तों स्टार्ट होने वाला है 23 नवंबर को दोस्तों जो खेला